हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो एडिटोरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स की किताब पब्लिश की गई है जिसमें हम कवर करेंगे नवम्बर टू से लेकर नवंबर टू तक दोस्तों जी हाँ जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वन लाइनर्स हो गया एम सी हो गया और जो स्टैटिक पार्ट रहता है इसका ये सारा कुछ मैं आपको आ, वीडियोस में पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियोस में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कई सारे स्टेट एग्जाम्स के लिए स्टेट पीसीएस के लिए स्पेशली जो बिहार होता है बी बी जो होते हैं राइट एस हो गया अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे काम आती है क्योंकि जनरल नॉलेज जो है कॉमन होता है दोस्तों की सारे चीज़ों की नॉलेज रखनी चाहिए आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम में वो पूछने की संभावना बहुत होती है तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वन लाइनर हम पढ़ेंगे जैसे कि नेशनल इवेंट्स का वन लाइनर इंटरनेशनल इवेंट्स ओके मेजर डिफेंस इवेंट्स जो हुए हैं पूरे साल भर में जितने भी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हुए हैं सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों ओके okay? ऑलरेडी इसका प्रीवियस वर्जन जो था वन पॉइंट फाइव ईयर्स का वो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है मैं यहाँ पे भी जो है इसकी प्ले लिस्ट भी ऐड कर दूँगा आपको ठीक है वो भी देख सकते हैं आप बट ये लेटेस्ट वर्जन है जो इसी साल जो इसी मंथ पब्लिश हुआ है कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है ओके कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें बताए गए हैं उसके बाद हम स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको वीडियोज है टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन लाइनर है नेशनल इवेंट्स से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों चलिए मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी से दिखाई दे ठीक okay. है तो पहला है हमारा नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स सो इंडिया छन और इंडिया छम जो भी आपके 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन टू टू थर्ड नवम्बर जो कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये एक्चुअली आपने यू uh, नो you know, uh, नाम से पता चल रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स है इंडिया केम जो नाम रखा गया है Uh, and uh, it was jo jointly organized by Union Government, Minister of Chemicals and Fertilizers, and FICI. Its main object is to attract investment in the field of petrochemicals and chemicals. Dosto. Ushka, the Minister of Water Resource and River Development organized India Water Week in Greater Noida from 1 to 5 November, which was inaugurated by President Draupadi Murmoji. This theme is thi water security for sustainable development and equity. डेनमार्क फिनलैंड और सिंगापुर जो है इसके पार्टनर कंट्रीज है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये पार्ट क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पार्टनर कंट्रीज के ऊपर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट मेज गार्डन एट खेवाडिया ओके पहले एकता नगर था सॉरी अभी एकता नगर है पहले केवाडिया था इन गुजरात एंड ऑल्सो इनाग्रेटेड मियावा फॉरेस्ट विच इज बेस्ड इन जपानीज टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर मनगढ़ धाम इन भंसवारा राजस्थान एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट मनगढ़ धाम इज मेमोरियल ऑफ अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड ट्राइबल्स किल्ड बाई ब्रिटिश आर्मी दोस्तों द इन्वेस्ट कर्नाटका टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव था जो बैंगलोर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया विच वज एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल वॉज ऑर्गनाइज इन रायपुर छत्तीसगढ़ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड नवंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीआरपीएफ टू वुमेन ऑफिसर एनी अब्राहम एंड सीमा दुंदिया हैव बीन अपॉइंटेड एज आई जीज दोस्तों याद रख लीजिए सीमा धुंधिया जी हैज़ हैजिन अपॉइंटेड एज आईजी ऑफ बिहार सेक्टर दो वुमेन ऑफिसर्स को पहली बार आईजी अपॉइंट किया गया है सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था पर्पस था टू टेक ऑल द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू द ग्रास रूट लेवल एंड बेनिफिट मोर एंड मोर पीपल उसके बाद है शिल्प समग्राम टू थाजन ट्वेंटी टू वज ऑर्गेनाइज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन न्यू डेली यहाँ पे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि आपके जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं निवेशक दीदी इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर बाय इंडिया पोस्ट पोस्ट पेमेंट बैंक पर्पस है लॉन्च बाय वुमेन फॉर वुमेन टू तो इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी ओके लोगों के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया इन यूनिस्को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस हैव रिकोगनाइज माउलूह केव इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय एज अ फर्स्ट इंडियन जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट रिसेंटली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज ऑर्गन रिकगनाइज एज कंट्रीज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी इज बींग बिल्ट इन गुजरात फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू डेली में रखा गया था चार नवम्बर को इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगे सो नेक्स्ट मंथ है हमारा अक्टूबर 2022 ए मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम विल बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन काशी वाराणसी नवंबर 2022 जो कि हो चुका है ऑलरेडी इट ट्वेंटी टू एक्सप्लोर द जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी दोस्तों ओके उसके बाद इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महाराष्ट्र थ्रू दिस एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रैक माइग्रेंट बेनिफिशरीज ठीक है तो एक माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रैक कर पाएँ जो भी बेनिफिट्स हैं जो स्कीम्स के बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए वो दिया जा सकता है रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव रॉज बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट तो अपॉर्चुनिटी टू तो टेन लाख यूथ उसके बाद गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सप्लाई टैप वाटर टू हंड्रेड परसेंट हाउस होल्ड्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर जल जीवन मिशन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तेराई एलिफेंट रिजर्व जो कि इंडिया उत्तर प्रदेश का सेकंड माना जाता है दोस्तों ओके द सरस फूड फेस्टिवल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गनाइज बाईन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू डेली वुमेन ऑनटरप्रनर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल एंड प्रेजेंटेड देयर देर ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज साइंड फीफा एंड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फाइव डे इंटरनेशनल म्यूजिक डांस फेस्टिवल udbhav utsav 2022 was organized in gwalior madhya pradesh it was inaugurated by paushan jair taiwan's ambassador to india okay Chali. india space congress 2022 was organized in new delhi from 26 to 28 october its purpose is to promote exploration in the field of space prime minister narendra modi laid the foundation stone of c295 transport aircraft manufacturing facility in vadodara gujarat this is the first time that a military aircraft will be manufactured in india by प्राइवेट कंपनी कौन सा है वो सी टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना लॉन्च समृद्धिशियल प्रॉपर्टी कैन गेट एक्जेंशन ऑन देयर प्रॉपर्टी टैक्स रिसेंटली रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व वॉज अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली में जो टाइगर रिजर्व हो एलिफेंट रिजर्व राइट या फिर कोई जीआई टैग लगा हो या यूनेस्को ने कोई साइट ये की हो या फिर वेटलैंड्स के साइट्स हो ये इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है दोस्तों तो याद रख लीजिए आप रीसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम इन अरुणाचल प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फिश म्यूजियम है यह नॉर्थ ईस्ट का है ठीक है कहाँ पर रख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश फिट इंडिया फ्रीडम थ्री पॉइंट वो वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम सेकेंड अक्टूबर टू थर्टी फर्स्ट अक्टूबर which culminated in Kevadia, gujarat it aims was to encourage the habit of walking among the people for fitness fit india freedom run was started in 2020 prime minister Narendra modi launched mission school of excellence in gandhi nagar gujarat its aim is to make the education system better through smart teaching and 5g internet services okay. a two-day international conference on existing climate change scenario and its arising risk iskaparek international conference hua tha, जम्मू में हुआ था दोस्तों किसने ऑर्गेनाइज किया था महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर और शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीकल्चर द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा हैज शिवाज अनवील्ड इन एट नतवाडा इन गुजरात सॉरी राजस्थान इसकी जो हाइट है थ्री सिक्स नाइन फीट विच इज विजिबल अप टू टू डिस्टेंस ऑफ रिसेंटली द नॉमिनेटेड फोर राज्यसभा कौन कौन पी टी उषा जी स्पोर्ट्स एथलीट सभी लोग जानते हैं इले राजा म्यूजिक से रिलेटेड है वीरेंद्र हेगड़े सोशल वर्क हैं स्पिरिचुअल लीडर एंड विजेंद्र प्रसाद फिल्म डायरेक्टर हैं दोस्तों ठीक है नॉमिनेट किया है राज्यसभा को रिसेंटली यूपी स्टूड फर्स्ट अमोंग द बेस्ट फॉर्मिंग स्टेट्स अंडर प्रधानमंत्री हवास योजना अर्बन कौन सा स्टेट फर्स्ट है यूपी में ज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्टेड जेल लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट इन दिस कोर्ट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ माइनर डिस्प्यूट एंड अफेंसेज विल भी डन दोस्तों रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च स्वदेश दर्शन योजना टू पॉइंट टू प्रोमोट डोमेस्टिक टूरिज्म My Bhi Subhash campaign was launched in Leh Ladakh on the occasion of 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January. Okay. Chali. Recently, the Odisha government launched credit portal named Safal to ensure credit availability for agriculture entrepreneurs. World Spice Congress 2022 was organized in Mumbai. It was attended by 1000 delegates from 50 spice producing countries. Its purpose was to consider the spice farmer and businessmen. फॉर प्रोग्रेस इन दिस फील्ड उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड बाई लाइटनिंग फिफ्टी लैक दिया दीपोत्सव एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत टू पॉइंट वो को लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ओके बिटवीन गांधीनगर एंड मुंबई उसके बाद मैट डाटा जंक्शन ए वन ईयर वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलाबरेशन विद एयर दट इज ऑल इंडिया रेडियो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ऑनरप्रनर्स ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्ट्रेंथन द सुपरवाइजरी प्रोसेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु अप्रूव्ड द प्रोहबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मोदेरा विलेज इन गुजरात हैज बिन डिक्लेयर एज इंडिया का पहला ट्वेंटी फोर बाय सेवन सोलार पॉर विज है बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ए फोर्टीन फीट टॉल स्टैच्यू वॉज अन्वील्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वन ट्वेंटी एथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण जी एट सितप दया इन सरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी इनाग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ 850 फिफ्टी करोड़ महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन उज्जैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल कांग्रेस इन हैदराबाद और द्रौपदी मुर्मू फ्लैग ऑफ द कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्लाइट रेक वॉज इनागरेटेड बाई रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन इट इज डेवलप बाई बेस्को लिमिटेड वैगन ऑन डिविजन एंड हिंडालको द सेंट्रल गवर्मेंट हज एक्सटेंडेड दफ्सपा एक्ट दिक्स मंथस इन टूवल्ल डिस्ट्रिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैड द हाइस्ट नंबर ऑफ फॉरिन टूरिस्ट दोस्तों महाराष्ट्र में वन पॉइंट टू सिक्स मिलियन थे और तमिलनाडु में वन पॉइंट टू थ्री सबसे ज्यादा टूरिज्म यहाँ पे देखा गया पुलमपुरा पंचायत ऑफ केरला स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरल पंचायत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कौन सा पंचायत है जो कि डिजिटली लिटरेट पंचायत है पुलमपुरा

एट कड़ावूर इन करूर एंड दिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट ओके नोटिफाई किया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज और द कृष्णा रिवर कनेक्टिंग आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तो एक केबल स्टे सस्पेंशन ब्रिजाया जाए बनाया जाएगा कृष्णा रिवर में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो कनेक्ट करता है नेक्स्ट टू डे पी एम किसान सम्मान सम्मेलन वॉज इनोग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू डेली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन एट न्यू एयर बेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट दिसा इन बनक्शकंता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ओके इसका वर्षा स्कीम एल आई सी पर्पज़ क्या है इसका इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों धन वर्षा स्कीम किसकी है एल आई सी की यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनाग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन संगरूर कहाँ पे पंजाब में दोस्तों संगरूर ओके एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये आसाम गवर्मेंट है स्टाइडअप विद गूगल टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक सहा रिसेंटली इनाग्रेटेड स्टेट फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज लाइट दियास नॉट क्रैकर्स कैंपेन डेली गवर्नमेंट ने हर साल निकालती है ये सो ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन ये भी डेली का है दोस्तों फॉर कंप्लायस विद पोल्यूशन नॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सी एन जी टर्मिनल इन भावनगर गुजरात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द वेबसाइट माँ भारती के सपूत इन न्यू डेली टू कॉन्ट्रीब्यूट द आर्म फोर्सेज फंड दोस्तों मध्यप्रदेशम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट एम बीबीएस कोर्स इन हिंदी हॉनेस्ट शॉप ओपन इन फिफ्टीन स्कूल इन एर्नाकुल केरला अंडर द स्कूल पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट टू बीचेस ऑफ लक्षद्वीप मीनिकॉय थंडी बीच एंड कडामट बीच हैव बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाई दानिश फाउंडेशन फॉर एनविरोनमेंट एजुकेशन दोस्तों इंडिया के पास अभी बारह ब्लू फ्लैग बीचेस है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से अभी रीसेंटलीस ऑफ लक्षी मीनिकॉय एंड कडमट बीच याद देख लीजिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो आसाम गवर्नमेंट ने निकाला था ताकि फॉर ब्रिंगिंग फार्मर्स कंपनीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टूगेदर टू एक्सपैंड द ट्री कवरेज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ नोटिफाइड रानीपुर टाइगर रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू और सीबीआई वालों ने एक ऑपरेशन निकाला है ऑपरेशन चक्रा बोल के ओके पर्पज है अगेनेस्ट साइबर क्राइम इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल क्राइम्स रिसेंटली उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंप्लीमेंट सेंटर्स फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू एट प्री प्राइमरी लेवल कौन सा स्टेट बना है दोस्तों दिस इज उत्तराखंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए सेप्टेंबर देख लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या To make education related to art, science, philosophy available online, it has been developed by Bandarkar Oriental Research Institute. Okay. Next, REC, formerly Rural Electrification Corporation Limited, accorded with Maharatna Company status incorporated in 1969. REC is an NBFC focusing on power sector financing and development across India. Union Minister Sri G. Kishan Reddy launches virtual conference. सिम फोन टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है ये कॉन्फ्रेंस का नाम सिम फोन है दोस्तों याद रख लीजिए नेक्स्ट इंडियन आर्मी इंस्टॉल इट्स फर्स्ट अवेलेंसी सर्वेलेंस रेडार इन नॉर्थ सिक्किम इट हैज कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट अवेलैसे विद इन थ्री सेकंड ट्रिगर एंड विल असिस्ट इन सेविंग द लाइफ्स ऑफ ड्रूप्स दोस्तों द लार्जेस्ट इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ हर्पन कल्चर इज बींग बिल्ट इन राखी गढ़ी याद रख लीजिए कहाँ पे लार्जेस्ट बनाया गया है और आखिरी कड़ी में हरियाणा टू शोकेस अबाउट फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड इंडस वैली आर्टी क्राफ्ट पोषण उत्सव वॉज ऑर्गनाइज बाई मिनिस्टर ऑफ ओपन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम थर्टी सेप्टेम्बर टू सेकेंड अक्टूबर ओके नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्री टू सेटअप इंडिया का पहला और दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट एट हजीरा दोस्तों गुजरात सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं आने वाले पाँच साल में ओके एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एम टी पी ए बेस्ड ऑन एक्रोनोनिक एक्रोनोमिक्रिल फीड स्टॉक नेक्स्ट डेली गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल इन दिस वर्चुअल स्कूल सच चिल्ड्रेन कैन स्टडी हुआ नॉट एबल टू कम टू स्कूल और हुज पेरेंट्स डू नॉट वॉन्ट टू सेल देर। गर्ल्स को जो बाहर नहीं भेज सकते बहुत सारे कंजर्वेटिव फैमिलीज होते हैं तो डेली गवर्नमेंट इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है दोस्तों रिसेंटली कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया ऑर्गेनाइज साइबर सिक्योरिटी इनर्जीजी इन कोलेबरेशन विदर्टी कंट्रीज इट्स पर्पज वॉज टू क्रिएट ए बेटर स्ट्रैटेजी टू डील विदबर अटैक्स दोस्तों एच डी एफ सी बैंक लॉन्च बैंक ऑन व्हील्स वैन इन गुजरात दिस वैन विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन रिमोट बिहार के जो सीएम है नीतिश कुमार जी उन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट रब ओपन किया है दोस्तों इन गया द डैम इज फोर इलेवन मीटर लॉन्ग थ्री मीटर्स हाई एंड फोर हंड्रेड मीटर्स वाइड मेघालय गवर्नमेंट हेज लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल ऑफ रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट दिस पोर्टल विल कलेक्ट इंटेलिजेंस फ्रॉम ऑनलाइन डेटा फॉर सेफ्टी ऑफ इंसुरंस कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेघालय गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लॉन्च द स्टेट फर्स्ट सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिमा टूरिज्म पॉलिसी ओके टू प्रमोट फिल्म इंडस्ट्री इट्स ऑब्जेक्ट टू टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एयर इंडिया टाटा ग्रुप ओन कंपनी एज प्रिपेयर ए प्लान कॉल्ड विहान ए आई फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स द एम इज टू ब्रिंग द कंपनी शेयर इन डोमेस्टिक मार्केट टू थर्टी परसेंट दोस्तों ओके चलिए नेक्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैज डिक्लेयर अंडमान निकोबार आज इंडिया का पहला क्लीन सुजल प्रदेश है याद रख लीजिए इंडिया फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश इज अंडमान एंड निकोबार नेक्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च रामाकृष्णा मिशन दोस्तों क्या मिशन का नाम क्या है रामाकृष्ण मिशन फॉर अवेकनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट टू ट्वेल्थ इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनको प्रोवाइड किया जाए अमॉन्ग द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजू चंद्रशेखर विजिटेड इंडिया का पहला लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश ओके द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट इज टू सेवेंटी कैन प्रोड्यूस अबाउट अब थाउजेंड दोस्तों उत्तराखंड वॉज ऑनर्ड विद बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड विथ स्टेट हैज ऑनर्ड उत्तराखंड हैज ऑनर्ड दोस्तों ऑन ऑफ टूरिज्म डे इन न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड न्यू नेशनल फ्लैग फॉर इंडियन नेवी इंस्पायर्ड बाय द सील ऑफ छत्रपति महाराज शिवाजी इन केरला ज बिन नेम्ड निशान दोस्तों उसके बाद ब्लू एनर्जी मोटर्स लॉन्च इंडिया का पहला इंडिया इट वॉज इेटेड बाईन नितिन गडकरी साहब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्च कृतज्ञ थ्री पॉइंट टू हैकाथॉन फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट अंडर दिस एम्फोसिसक्नोलॉजी इनोवेशन बेस्ड कल्चर इन द कंट्री रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर 2022 was organized in Dharamshala, Himachal Pradesh. Its object is to know the views of all the states on tourism development. Odisha has become the first state in India to launch Encyclopedia of Tribes in Odisha, dostum. okay Next, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of world's first compressed natural gas terminal in Bhavnagar, Gujarat. Okay. Next, the Swachh toyathon competition was launched by Minister of Housing and Urban Affairs on 27 September. Its purpose was to encourage the use of

Uh, to India gate has a Kartavya Path. Thus, pat. Para village of Tripura is converted into nature-based lifestyle and livelihood and reduced the use of chemical fertilizers. With this, it has been the first converted by a village in India. Okay. Next, to two-day national conference, Manthan, was organized by Minister of Road, Transport and Highways in Bangalore, which was inaugurated by Union Minister Nitin Gadkari. Its purpose is to discuss the development of country economy by improving the transport system. This, this is also important. उसके बाद ए सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन साइंस सिटी अहमदाबाद ओके ऑन सेप्टेम्बर टेन इलेवन विच वॉज इनागरेट बाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनागरेट किया ताकि जितने भी सेंट्रल स्टेट के कोऑर्डिनेशन हो उसको मजबूत बना सके दोस्तों ऑन सेवन सेप्टेंबर द कांग्रेस लॉन्च भारत जोड़ो यात्रा द जर्नी विल पास थ्रू टूएल्व स्टेट्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर हो गया ठीक है नेक्स्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लॉन्च द कोयम्बतुर नेक्स्ट इनिशिएटिव इन तमिलनाडु इट एम्स टू डेवलप द सिटी ऑफ कोयम्बत इंटू मोस्ट अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हेज अप विद वेदांता एंड फोक्सकॉन टू कंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन स्टेट याद किसके साथ टाइप किया है हम लोगों ने वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ कोसी गवर्नमेंट ने टाइप किया है गुजरात की गवर्मेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरी टाइम हेरिटेज इज बिंग सेटअप एट लोथल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट दोस्तों नेक्स्ट जीरो फॉरम वॉज ऑर्गेइज इन न्यू डेली कोमोमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ जीरो कैंपेन लॉन्च बाई नीति आयोग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ताकि जो है इलेक्ट्रिक वेहीकल्स का यूज इसका प्रमोट कर पाए एच डी एफ से बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इश्यू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड दोस्तों ठीक है चेयरमैनशिप ऑफ द शां कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजन फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज हैंडेड ओवर टू इंडिया इंडिया का पहला और ओल्ड का थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री विल बी सेटअप इन तेलंगाना याद एट लीजिए दिस यूनिवर्सिटी विल फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंदौर हैज़ बिकम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू इंप्लीमेंट डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम फॉर विच ए मोबाइल एप्लीकेशन पाटा पी ए टी डबल ए विल बी लॉन्च फॉर अलॉटिंग न्यू डिजिटल गो टू एवरी डोर स्टेप ठीक है चलिए द बिहार गवर्मेंट हैज़ अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नो बैग डे टू रेड्यूज दैग्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स ओके ये स्कीम तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी निकाला है इनफैक्ट कर्नाटक ने भी इस स्कीम को निकाला है एवरी सैटरडे देर इज़ नो बैग डे विल बी देर ओके नेक्स्ट ओल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क विल बी बिल्ट इन गुरुग्राम हरियाणा विच विल स्प्रेड ओवर टेन थाउजेंड एकर्स दोस्तों ठीक है इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप हरियाणा है द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ लॉन्च ए लोन स्कीम महिला निधि कहा जाता था वुमेन्स के लिए चाइना हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव इन हेल्ड वर्जन ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन दोस्तों विच विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री चाइना रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन हैज स्टार्टेड वर्ष जल संचरी संचय योजना नेम छाता उसका था वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र विल बी ओपन इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कौन सा है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र माना जाता है दोस्तों जहाँ पे चिल्ड्रंस को बच्चों को पढ़ाया जाता है राइट्स के बारे में बाई एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना नेम इटेट आफ्टर द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंगन दो हजार बाविस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी इट्स एम इज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड एम्फोसिस एनर्जी एफिशियंसी दोस्तों रिसेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड हैज़ लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ दोस्तों क्या है सामर्थ इट्स एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्फोसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन भरतोल विलेज इन उत्तर प्रदेश हैजम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू प्रोवाइड आरो वॉटर इन एवरी हाउस होल्ड इसके बाद उत्तर प्रदेश हैज स्टॉप इन डिस्पोजल ऑफ केसेज थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल अंडर डिजिटल इंडिया मिशन दोस्तों और द फर्स्ट यूएस पेसिफिक आईलैंड कंट्री समिट वॉज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी ऑन ट्वेंटी नाइन सेबर इसको बारह पेसिफिक आईलैंड नेशंस ने अटेंड किया था दोस्तों रिसेंटली उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टीमेंट सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं नेक्स्ट अगस्त मंथ देख लेते हैं उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट हेज प्लान टू डेवलप ए मोडी सर्किट कनेक्टिंग द प्लेसेस विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द इनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमार जी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल इन चंदौली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ठीक है द गवर्नमेंट ऑफ यूपी लॉन्च रेडियो जयघोष एट संगीत नाटक अकाडमी ऑन नाइन्थ अगस्त ऑन द अकेजन ऑफ ककोरी ट्रेन एक्शन डे दोस्तों इट इज़ अ डेली प्रोग्राम विच विल मेक पीपल अवेयर ऑफ स्टेट कल्चर हिस्ट्री इन सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कंटिन्यूज टू बी द टॉप पोजिशन द लेटेस्ट नेचर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू द नेचर इंडेक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इन नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस चलिए द गोल्डन ज्वाइंट ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज द ओल्ड हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज लोकेट इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर दोस्तों इसको इनाग्रेट किया गया है के थ्री फिफ्टी नाइन मीटर्स हाई है ये एंड इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो विल ऑर्गेनाइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन कोलकाता इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन सी फूड प्रोडक्ट्स ठीक उसके बाद बात आती है बी आर ओ की बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन हैज अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्लैग रोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द रोड्स एंड मेन्टेन अनहिंडर्ड मूवमेंट झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू फार्मर्स थ्रू ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी आपने सुना है ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी से सीड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं okay. पहला स्टेट बना है झारखंड याद रख लीजिए इन दिस टेक्निक फार्मर्स कैन ट्रैक एंड टेस्ट देयर सीड्स इट्स मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड गुड क्वालिटी सीड्स टू फार्मर्स दूसरा है प्रोजेक्ट जोरावर स्टार्टेड by इंडियन आर्मी लाइट टैंक्स विल बी बिल्ट एंड deployed इन द डेंजर एरियाज in eastern लद्दाख उसके बाद नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर हिसार की है ये। हिसार में हैज डेवलप द लुम्पी प्रोवाइक वैक्सीन टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम लंपी स्किन डिसीज़। रिसेंटली गुजरात फेमस गरबा डांस हेज बी नॉमिनेटेड फॉर इंक्लूजन इन यून्यूस्को इनटैंजेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस टू सेटअप दिव्यांग पार्क इन नागपुर नागपुर विल हैव वेरियस फैसिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल दोस्तों Next, the 11th National Seed Congress was organized in Gwalior, Madhya Pradesh. Under this, a policy was formulated for improved seed distribution of various pulses and oilseed crops. Northeast India, first drone school opened in Guwahati, Assam. Its main aim to make India the best drone technology. Okay. So the Principal Scientific Advisor Office to Government of India announced the launch of Manthan platform with a view to implementing technology-based social impact innovations. Okay. Shri Parshottam Rupala, यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के इन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर निकाला है इसका नाम है एक्वा बाजार दोस्तों इन मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप इट्स ऑब्जेक्ट इज टू हेल्प एक्वा कल्चरस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज रतन टाटा लॉन्च इंडिया का पहला स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन गुड फेलोज द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च टू सेटअप इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट गौतम बुद्धा नगर इन नोएडा उत्तर प्रदेश

नेक्स्ट द ट्वेंटी सेकेंड भारत रंग महोत्सव वॉज ऑर्गेइज़ इन मुंबई फ्रॉम नाइन टू थर्टींथ अगस्त विच वॉज इनागरेटेड बाई गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र क्या नाम है इनका भगत सिंह कोशियारी उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी इन्होंने पार्टिसिपेट मिलके जो है इनागरेट किया है ताकि जो भी फ्रीडम फाइटर्स के जो सेक्रीफाइसेस हैं दोस्तों उनको परफॉर्म किया गया है युवा संवाद इंडिया एट टू जीरो फोर सेवन प्रोग्राम दैट इज़ टू थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन वॉज ऑर्गेनाइजड इन न्यू डेली which was inaugurated by Union Minister Dharmendra Pradhan and Anurag Thakur. Its main object is to provide platform to the youth to express their views on national and international. Aapke vichaar ko aap prakat kar sakte On the occasion of 75th anniversary of independence, the number of wetlands included in the list of Ramsar site in India increased to 75. So this is also very very important. At present, India has a large number of wetlands in the world. With Tamil Nadu, we have the highest number of Ramsar site dosto. ओके नेक्स्ट रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक हैज अनाउंस ड्यू टू परसेंट रिजर्वेशन कितना टू परसेंट रिजर्वेशन टू ऑल प्लेयर्स ऑफ स्टेट इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन द अकेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव ऑन फिफ्टीन अगस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर अमृत का कॉल पंच प्रणाम ओके इसमें क्या क्या है गोल फॉर डेवलप्ड इंडिया यूनिटी अमोंग वर्कर्स बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज सेंस ऑफ योर ड्यूटी अमोंग सिटीजन पुट अवे द कॉलोनियल माइंड ये चार एक चार जो है सॉरी पांच अमृत के पंच प्रणाम आफ्टर अचीविंग द हंड्रेड परसेंट हर घर जल सर्टिफिकेशन हर घर जल उत्सव वॉज ऑर्गनाइज इन गोवा विच वॉज एड्रेस वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द सेवेंटीन प्रवासी भारतीय दिवस विल भी ऑर्गनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्शनल अफेयर्स इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंदौर एंड प्रवासी भारतीय दिवस इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन नाइन्थ जनवरी सिंस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ओके द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर भगत सिंह दोस्तों ओके अभी नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब अनविल्ड इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डबल टेक्कर एयर कंडीशन बस इन मुंबई इसका नाम रखा गया स्विच ई वाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज रिलीज सोलर एनर्जी पॉलिसी टू उत्तर प्रदेश एज सेट ए टारगेट ऑफ जनरेटिंग सिक्सटीन मेगावाट ऑफ रिनीबल एनर्जी इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स बाई टू थाउजेंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनाग्रेटेड इंडिया का पहला हाइड्रोजन बैटरी बस इन पुणे द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दिस बस विल बी लेस दैट ऑफ डीजल पावर्ड व्हीकल्स दोस्तों इसलिए इसको इनोग्रेट किया गया इंडिया का पहला नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क विल विल बी इन लखनऊ यूपी पीपल एबल टू टूर इन इवेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागरेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पंजाब इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा मेमोरियल सेंटर इट इज आल्सो इनॉगरेटेड अमृता हॉस्पिटल इन फरीदाबाद हरियाणा सॉरी

पिंगली वेंकैया हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग इट वॉज रिड्यूज बाय नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द तिरंगा उत्सव ऑर्गनाइज इन न्यू डेली द एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लिंगात सिंह कॉलेज है लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दोस्तों कोसी है कौन सी लैबोरेटरी एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेट्री एमेजॉन इंडिया स्टार्टअअअप विथ इंडियन रेलवेज फॉर डिलिवरी ऑफ इट गुड्स अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज उत्तराखंड गवर्नमेंट हेज अनौंस्ड वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ई डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट दोस्तों एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज तो रहना ही है उत्तराखंड इज अ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो और हमारा संस्कृत जो एक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में माना जाता है उत्तराखंड का यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट सेलेन वाटर एल ई डी रोशनी देख लीजिए सी वाटर विल बी यूज टू लाइट दिस लैंड विच विल प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर फिशरमैन एंड द पुर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस टू टू गिव एडवेंचर स्पोर्ट्स स्टेटस पॉपुलर गेम दाई हंडी फेस्टिवल इट वॉज ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स टू द गोविंदास पार्टिसिपेट इन इट उसका कम रेट फाइव इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन सुपर वसुकी दोस्तों द ट्रेन वॉज रन ऑन अगस्त बिटवीन कोरबा इन छत्तीसगढ़ टू रजनंदगांव इन नागपुर दोस्तों उसके बाद मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री That is, all the people here are capable of reading and writing, dosto. india India first education township will be developed in Uttar Pradesh. Its object is to provide variety of professional education at one place and training for skill development. The Indian government has decided to declare Anang Tal near Kutub Minar in Delhi as a monument of national importance. This is also important, Anang Tal. Okay. The world's largest religious monument, Temple of Vedic Planetarium, is being built in Nadia district of West Bengal. दिस विल सर्व एज हेड क्वार्टर ऑफ इसकॉन दोस्तों ठीक जो कि 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा एंड आदिपुरम फेस्टिवल कहाँ की है ये तमिलनाडु की है और पी एम मोडी इनागरेटेड द अटल ब्रिज और साबरमती रिवर इन अहमदाबाद गुजरात ये हमारे जो आ, पुराने प्राइम मिनिस्टर थे प्रीवियसली प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है द ब्रिज इज थ्री हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग एंड फोर्टीन मीटर वाइड दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सरबंदा सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग Sripad <coughs> Naik inaugurated Chabahar Divas conference in Mumbai on 31st of July 2022. Okay. India celebrated Chahabahar Day for easy access to Russia. Recently Kerala has become the first state in India to start online e-tax services. Its objective is to ensure safe travel for the people in the state at affordable rates. India's first Himalayan spice garden has been established in Ranikhet, Uttarakhand. The park will house different species of spices found in Himalayas. A first of its kind Sand art park in India has been unveiled in Pushkar, Rajasthan. Different types of artifacts will be made from sand in this park, which will attract tourists. It's sand artist Konte Ajay Ravajit. Elora Caves in Aurangabad Maharashtra has been become the first heritage site in India to have hydraulic lift facility. Okay. Next, the Union Ministry of Textile has launched a scheme linking textile with tourism initiative. Under this, eight villages have been established as a craft villages. रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ अप्रूव्ड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोशन टू पॉइंट वो स्कीम फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स ओके तब तक चलेगी स्कीमें इट्स ऑब्जेक्ट इज टू मेक प्रेगनेंट वुमेन चिल्ड्रन एक्सेट्रा फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन दोस्तों सो नेक्स्ट है हमारा जुलाई मंथ देख लेते हैं द इंडियन सिटी ऑफ वाराणसी वॉज डिक्लेयर द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एस सी ओ दोस्तों एस सी ओ का मतलब क्या है फुल फॉर्म शांगे कॉपरेशन ऑर्गनाइेशन टू एनहैंस द कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म अमोंग एस सी ओ कंट्रीज ओके एशियो मेंबर कंट्रीज टोटल आठ है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है इसको 2001 में स्टेबलिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी लॉन्च स्प्रिंट चैलेंज टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इन द स्टेट विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ये इससे जरिए से जो है आप व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू हैव हर घर नल का जल टू फिफ्टी फोर विलेजेस ऑफ डिस्टिंग आर गेटिंग क्लीन टैप वाटर निर्माण एक्सलेरेटर प्रोग्राम स्टार्टेड बाई आई आई टी कानपुर इन कोलेब्रोशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड फिफ्टीन स्टार्टअप्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों रिसेंटली राजस्थान अनाउंस टू सेटअप ओमन ओली बैंक राजस्थान महिला निधि फॉर दिस राजस्थान एज स्टार्टअप विद तेलंगाना दोस्तों इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च इन राजस्थान and recently kerala has become the first state in india to launch its own internet service kerala fiber optic network. its object is to bridge the digital gap in the state and develop education, health, agriculture and infrastructure. Okay. Chali. recently the department of consumer affairs launched a mascot named jagriti to raise awareness about the rights of consumer. and gujarat has become the first state in india to launch semiconductor policy. Uh, 2022 27, it aims to create 2 lakh new jobs in the state in the next five years. The Ijwal Bharat Ujjal Bhaveshi festival was organized by Union Ministry of Power in Vishakhapatnam. It was organized to celebrate the reforms in power sector. Dosto. Union Home Minister Amit Shah launched e EFIR system in the Gandhinagar for citizen to register online complaints of vehicle and mobile theft. Jawaharlal Nehru Port in Maharashtra has become the first port in India to have 100% landlord model dosto. with all. बर्थ ऑपरेटेड ऑन पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इंडिया का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल ब्यूलियन एक्सचेंज अगर आप इस पर सपरेटली एक लेक्चर चाहते हैं ना ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं मैंने डिटेल्ली समझा रखा है कि ब्यूलियन एक्सचेंज होता क्या है किस तरह से काम करता है ये नेशनल एक्शन प्लान नेम नमस्मस्ते वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग इन अर्बन अफेयर इट एम्स टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू सीवर एंड सेप्टिक टैंक सेट इज सैनिटाइजेशन वर्कर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह इनागरेटेड नेशनल वॉटर शेड कन्वेंशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू न्यू डेली इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ फेलोलैंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स क्या है ये नेशनल वाटर सेड कन्वेंशन है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड बंदलखंड एक्सप्रेस वे इन जलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इट्स लेंथ इज टू नाइंटी सिक्स किलोमीटर इट्स फोर लेन एक्सप्रेस विच विल पास थ्रू सेवन दोस्तों फ्लिपकार्ट स्टार्टअप विथ बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन टू एक्सपैंड सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू डेली दिस इज द फर्स्ट वुमेन नेशनल फेंसिंग कॉम्पिटिशन रिसेंटली उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंप्लीमेंट द सेंट्रस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल बहुत बार पूछा है ना क्वेश्चन है अर्न विद लर्न स्कीम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने इसको लॉन्च किया है ताकि स्टूडेंट्स को जो भी ड्रॉप आउट हो गए हैं Uh, जो कोविड नाइन्टीन की uh, वजह से तो उनको एक स्कीम निकाली गई कि आप सीखते हुए भी कमा सकते हैं ले एयरपोर्ट इन लद्दाख इज़ बिंग डेवलप हैज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड ओल्ड रिकॉर्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल टेकर फ्लाई ओवर इन नागपुर महाराष्ट्र नेक्स्ट इंडिया इलेक्ट्रिक वहीकल कंपनी ओला विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप लिथियम बैटरी फ्रॉम टू दोस्तों चलिए नेक्स्ट थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ ओके ऑन जुलाई टूवल्व टू थाउंड ट्वेंटी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड दियोघर एयरपोर्ट टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू बाबा बैद्यनाथ टेम्पल इन झारखंड दोस्तों ऑन इलेवेंथ जुलाई द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार एंड एग्जीबिशन इन डिफेंस वॉज ऑर्गनाइज इन न्यू डेली विच वॉज इनाग्रेटेड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन लेव जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस इसकी जो हाइट है वो 6.5 पॉइंट फाइव मीटर्स एंड वेट इज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी दोस्तों जो कि ब्रॉन्स से बना हुआ है एन टी पी सी लिमिटेड लॉन्च इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दैट इज रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पी वी प्रोजेक्ट इन तेलंगाना इट हैज कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड मेगा वॉट द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सुरक्षा मंथन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन जोधपुर राजस्थान ड्यूरिंग दिस द इंडियन आर्मी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड कोस्ट गार्ड ज्वाइंटली मेड ए स्ट्रेटेजी

Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Digital India Week 2022 in, in Gandhinagar, Gujarat. During this, he launched Digital India Bhashani that aims to provide easy access to internet and digital service in local languages. Pariksha Sangam Portal launched by CBSC. Purpose is to streamline the examination and other 10th and 12th board related details. The Minister of Science and Technology Dr. Jitendra Singh launched Dr. Rajendra Prasad Memorial Award in New Delhi in honor of Dr. Rajendra Prasad, the first president of India. Gita Gopinath, the first woman chief economist of International Monitoring Fund, became the first woman at second Indian to be featured on the wall of former chief economist of the IMF. Recently, Google has launched Startup School India initiative. It aims to provide online training related to equipment, product, etc. Prime Minister Indra Modi inaugurated All India Education Summit in Varanasi for better implementation of new education policy. He also inaugurated Akshay Patra Midday Meal Rasoi. इसके बाद यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी लॉन्च द स्वनिधि महोत्सव ऑन द कंप्लीशन ऑफ टू ईयर्स ऑफ पी एम स्वनिधि योजना इट विल ऑर्गेनाइज इन द सेवेंटी फाइव सिटीज अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री ठीक है मिशन कुशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट की है ये ऑब्जेक्टिव टू डेवलप स्किल्स एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अबाउट टू लाख वर्कर्स इन ए ईयर रिसेंटली द ट्राइबल फेस्टिवल खर्ची उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन त्रिपुरा उसके बाद स्टार्ट स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात एंड कर्नाटका फर्स्ट अमॉन्ग स्मॉल स्टेट इज मेघालय दोस्तों द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरिंग पुरुषोत्तम रूपाला इनाग्रेटेड इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट है न्यू डेली का इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट द यूज ऑफ आयुर्वेदा फॉर बेटर एनिमल हेल्थ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल द स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामार्जुनाचार्य इन श्रीनगर द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव एट टकाटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली दोस्तों ठीक ताकि जो हमारे ट्रीज़ हैं फ्यूचर जनरेशन के बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज अवेयरनेस के इसमें रखा गया है ऑपरेशन uh, नार्कोस जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेलवेज ऑन थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑनप्रोनर इंडिया प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज एड विज्ञान भवन न्यू डेली इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसपेटेड दोस्तों यहाँ पर जो है आपको राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एम एस प्रोग्राम स्कीम के बारे में लॉन्च किया गया है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑर्गेनाइज़ द फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर एट विज्ञान भवन न्यू डेली विच वॉज अटेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम दर्स्ट स्टेट इन दंट्री टू हैव थर्टीन एक्सप्रेस वेज जी हाँ दोस्तों सी ईफ नीति आयोग अमिताभ कंत विल भी इलेक्टेड एज शर्ेफ ऑफ जी ट्वेंटी इन प्लेस ऑफ यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल उसके बाद क्लीन सी कैंपेन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओके इन कोलाब्रेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ एनविरोनमेंट एंड कोस्ट गार्ड सेवेंटी डेज कैंपेन स्टार्टेड ऑन थर्ड जुलाई टू पर्पस ट्वेंटी टू है टू क्लीन द बीचेस दोस्तों ऑल्सो लॉन्च मित्रम ऐप फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम औरंगाबाद सिटी टू शंबाजी नगर एंड उस्मामाबाद टू धाराशिव दोस्तों ऑन टेंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कि प्रकृत खेती सम्मेलन वाज ऑर्गेनाइज इन सूरत गुजरात विच वाज अड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली द नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी रिकमेंडेड टू साइट्स एसोसिएट विद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड प्रताप राव भोसले स्कूल जो है सतारा में इसको आ, ये किया गया है दोस्तों एज ए नॉशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंड किया गया है Recently, Telangana government has launched a T Hub 2.0 facility to promote startups in the state. T Hub building will house around 2,000 startups. Himachal Pradesh government has launched single-use plastic buyback scheme under which government will buy single-use plastic items from school and college students. So, Uttar Pradesh government has announced the issuance of Parivar Kalyan Card to provide employment to at least one member of every family, Taake under this family deprived Jobi He, of self employed or government jobs will be identified recently andhra pradesh inked rank first in the ease of doing business index released by department for promotion of industry and internal trade <laughs> चलिए अब हम आ चुके हैं जून 2022 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनाग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 कंपटीशन इन न्यू दिल्ली निपुण प्रोजेक्ट की बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने launch will launched to provide skill and training to construction workers so that they get work opportunities abroad. In order to promote rain fed farming in the hilly areas of Uttarakhand, the World Bank has approved 1000 crore rain farming projects. In the year 2023, G20 summit will be organized in Jammu and Kashmir. The first Bharat Gaurav tourist train between India and Nepal was run from Savdargan's railway station. And New Delhi to Janakpur Dham in Nepal. This is also very, very important. Next, school enrollment campaign by the Gujarat government purpose ensuring the enrollment of students in primary school of state. Recently, a digital platform named Campus Power was launched by ICICI Bank. Through this, it will be easier for students to get financial assistance for pursuing higher education abroad. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Center for Brain Research. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली एयरपोर्ट है हैज़ बिकम द इंडिया का पहला फुल्ली सोलर हाइड्रो पावर्ड एयरपोर्ट क्लियर चलिए टाटा पावर सोलर सिस्टम कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन केरला विदरेशन कैपेसिटी ऑफ वन नॉट वन पॉइंट सिक्स मेगावॉट मेडिसिप हेल्थ इंश्योरेंसमेंट ऑफ केरला ने लॉन्च किया है इसमें जो है एक एडवांस प्रीमियम विल बी पेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ताकि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट मिल सके रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद इसराइल फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट ओके किसने साइन किया हरियाणा गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ साइन किया है दोस्तों बेंगलुरुस का जो केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैज़ एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी इनागरेटेड द हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू डेली दोस्तों दिस टॉर्च विल भी टेकन टू सेवेंटी फाइव सिटीज इन फोर्टी डेज द बीजेपी पार्टी हेज डोमिनेटेड ट्राइबल उमेन द्रौपदी मुर्मू फॉर द फर्स्ट टाइम एज एट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये झारखंड के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं अम्बूबाची मेला वॉज ऑर्गेनाइज एड कामाख्या टेम्पल इन आसाम फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड जून टू ट्वेंटी सिक्सथ जून ओडिशा गॉड फर्स्ट पोजिशन इन द नेशनल एम एस एम ई अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द डेवलपमेंट ऑफ एम एस एम ई एंटरप्राइजेस दोस्तों काशी यात्रा स्कीम स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पर्पज द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फाइव थाउजेंड टू पिलिग्रीम्स गोइंग टू विजिट काशी विश्वनाथ टेम्पल दोस्तों इंडिया का पहला एम आर एन ए कोविड नाइन्टीन वैक्सीन डेवलप बाई पुणे बेस्ड जिनोवा बयोफार्मास्यूटिकल हैज़ बीन अप्रूव बाई डीजीसीआई बी नेम्ड जेम कोवैक् नाइनटीन Har Tiranga campaign by central government purpose okay, to inspire all indian to hoist the national flag in their homes on the occasion of 75th independence day of the country recently aapda mitra aapda Sahi programs were started by the uttar pradesh government under this training will be given to voluntary worker groups to deal with the natural calamities in the state Skulls khan Rigzin has become the first indian mountaineer to climb the top of the annapurna hill in nepal द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डेवलप एंड इंडोर सोलार कुकिंग सिस्टम नेम सूर्या नूतन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग हैज लॉन्च वन हेल्थ पायलट इन बैंगलोर इट्स ऑब्जेक्ट टू टू ब्रिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवॉरोमेंटल हेल्थ ऑन वन प्लेटफॉर्म उसका मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो कि गुजरात की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि एक न्यूट्रिशन डाइट दिया जाए वुमेन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर थाउजेंड डेज दोस्तों साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली इट्स ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स उसके बाद मिनिस्टर नेंद्र मोदी इनग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वनजिया भवन इन न्यू डेली ही ऑल्सो लॉन्च निर्यात पोर्टल दोस्तों ताकि इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सके अबाउट फॉरिन ट्रेड की इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम पदमा अंडर दिस अनंटरप्टेड पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउेंसेज ऑफ अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड कोस्ट गार्ड पर्सन विल बी एन्श्योर्ड ऑन टाइम प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इनाग्रेटेड द अखिल भारतीय आयुर्वेदा महासम्मेलन इन उज्जैन मध्य प्रदेश मेन मकसद ये है इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बताया जाए लोगों को डेली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज अ नेम ऑफ रोड्स एंड कॉलनीज फ्राम हरिजन टू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर

Uh, is to showcase the role of Air Force to motivate the youth to join the Indian Air Force. The Sikkim government has declared Blue Duke as a state butterfly on the occasion of Environment Day. Okay. The Indian Ministry of Health and Family Welfare Mansukh Mandavi has inaugurated National Food Laboratory of Fasai in Raksal, Bihar. They will assist the easy trade of food items from Nepal to India. Andhra Pradesh government has launched 14,400 app that is 144,00.

यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एज एनाग्रेटेडेडेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू डी टू प्रमोट ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर दोस्तों द हार्वेस्ट फेस्टिवल हैज बीन सिलेक्टेड बाई राभा हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन दंट्री टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी टू अंडर दिस पब्लिक सर्विस सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हेल्थ एक्सेट्रा विल बी मेक इजीयर दोस्तों द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन वॉज रन बाइ इंडियन रेलवे कोयम्बतूर एंड श्री अंडर भारत गौरव स्कीम The train will cover cultural heritage and historical places of India. Kerala ranked first in Asia and fourth in the world in the global startup ecosystem. PM Modi addressed Garip Kalyan, Samilan, organized in Shimla, Himachal Pradesh. The purpose was that people representatives from all over India could talk directly to the public to get their feedback. Dosto. The operation of Mahila Suraksha was carried out by the Railway Protection Force from May 3rd to May 31st with an aim to protect women and girls from trafficking. On the occasion of Environment Day, Prime Minister Narendra Modi launched Lifestyle for Environment Movement Global Initiative with an aim to promote environmental conscious lifestyle. National Highway Authority of India has set a record for laying 75 kilometers long bituminous concrete in 105 hours 53 minutes between Amravati, Akola, and Maharashtra. National Awards Portal Launched by central government, main objective to bring all the awards of various Ministries or departments on a single digital platform. The Suraksha Mitra project was launched in Kerala by the Department of Motor Vehicles under this vehicles will be monitored any case of accident a message can be sent to owner's mobile union finance minister nirmala sitaraman inaugurated the national museum of customs and gst name darohar in goa, goa. on 16 june union ministry for road and transport and highways nithin gadkari has inaugurated the industrial decarbonization convention 2022 in new delhi its object is to promote the use of alternate source of fuels to overcome the energy shortage in the National Mineral Congress organized the bhubaneswar by Ministry of Coal in collaboration with Ministry of Power, Steel and Mines has set a target of achieving 100 metric tons of gold gasification by 2030. Bihar Kedja Chief Minister Nitish Kumar has anonymously decided to conduct cash based census in all party meeting. Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first Biotech Startup Expo 2022 at Pragati Medan, New Delhi on 9th to June. Its aim is to showcase the application of biotechnology. It was organized by Department of Biotechnology, Biotechnology Industry Research. Gujarat has become the first state in the country to start a Balika Panchayat. Girls in the age group of 11 to 21 run at Balika Panchayat. Okay. A three day international library, literary festival was inaugurated at Shimla, Himachal Pradesh on 16 June 2022. Isko organized by the Union Ministry of Culture and Sahitya Academy. The festival was named Unmesh. Recently, the Union Minister of Communication and Information Technology, Ashwini Vaishnav, was announced the launch of 5G services in India by March 2023. India first Display Fabrication Unit will be set up in Hyderabad, Telangana to increase the production of semiconductors in India. The Punjab government has announced the introduction of e stamp instead of the paper stamp process to check tax evasion. India first Dark Sky Preserve will be set up at Changtang Wildlife Sanctuary, situated in Hanle, Ladakh. This preserve will restrict the light pollution and offer best astro experience. The first national conference of chief secretaries was organized in Dharamshala, Himachal Pradesh, from 15 to 17th June, so that cooperation between centre and states can promote Kar pain. National Commission for Protection of Child Rights has launched an application of CIS, Children in Street Situation under Bal Swaraj Portal. Its object is to make arrangement for rehabilitation of street children. The Union Ministry of Civil Aviation has announced India's first National Air Sports Policy. It aims to make India one of the top aerial sporting nations by 2030. Next, North India's first bamboo village will be constructed at Gandawal in Una district of Himachal Pradesh, under this bamboo-based manufacturing units will be promoted. The Biodiversity Policy 2022 has been released by National Thermal Power Corporation for environmental protection. India's Pahela Agriculture Land Price Index was launched by IIM Ahmedabad. It will check over data of agriculture land prices across the country. So, Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of Olympic level sports complex in Ahmedabad, Gujarat. The complex will have facility for all sports played in the Olympics. Recently, the central government has planned to set up PM Shri School as a laboratory of national education policy that will be fully equipped to prepare the students for the future. Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaja International Airport has become the first airport in the country to use hybrid power project. The vertical wind turbine and solar mill has been installed here to explore the potential of wind power. US Drugs Control General of India has approved Corbevax vaccine as a booster dose for adults with asymptomatic COVID-19. President Ramnath Kovind has inaugurated the Saint Kabir Academy and Research Center in Uttar Pradesh. एंड माउंटेर प्रियंका मोहिते फ्रॉ महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल फाइव पीक्स दैट अबाउ एट थाउजेंड मीटर्स नेक्स्ट मे टू टाउंड ट्वेंटी टू की बात करें रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज अप्रूव दर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोजेक्ट अंडर दिस जेनेटिक रिसोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेजम एनिमल सीड्स ऑफ क्रॉप्स विल भी कंजर्व बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एज एनाटेड द कंट्री का पहला इथानल प्लांट इन पूर्णिया डिस्ट्रिक इट हैजिन एस्टैब्लिश बाईस्न इंडिया बायोफील प्राइवेट लिमिटेड

उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हज अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी टू मोर देन 58,000 एट थाउजेंड लोकेशन इन द विेज ऑफ स्टेट्स हरियाणा गवर्नमेंट हज लॉन्च वहीकिल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक व्हीकल कैरियंग माइनिंग मेटीरियल इंडिया का पहला बयोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक वहीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बिन सेटअप इन मुंबई ताकि ए जनरेट कर बाई टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ लॉन्च कलाम वेबसाइट इलिट्ररी इनिशिएटिव ऑफ प्रभा कैतन फाउंडेशन टू सपोर्ट

इंडियन आर्मीज टू स्टार्ट रेसिडेंशियल कोचिंग टू द स्टूडेंट्स बिलोंग टू इकोनोमिकल वीकर सेक्शन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनोगेटेड नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी टू स्पीड अप द रेजोलूशन ऑफ साइबर क्राइम रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल वन फोर्टी टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ ए जी पेरीवेरियन जो जिन्होंनेशन किया था राजीव गांधी का उस जिसने तो उसको रिलीज करने की बात की गई है वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज़ डेवलप डूअल मोड लोकोमोटिव कैन रन ऑन बोथ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इन एज नवदूत इट इज ऑल्सो गिवन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड बाय द रेलवे बोर्ड दोस्तों द फेमस मैडम एट्स और मैडम टू जो भी आप कहें म्यूजियम फॉर वैक्स कल्चर विल बी ओपन इन नोएडा द म्यूजियम वज फर्स्ट ओपन इन डेली क्लोज टू कोविड पैंडमिक द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाइएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट At 8,830 meters in collaboration with Nepal's Hydrology and meteorology and NAGEO to automatically measure the meteorological phenomenon. Union Ministry for Education and Skill Development, Dharmendra Pradhan, has inaugurated the Northeast Research Conclave 2022 at IIT Guwahati to promote research and development. Indian Railways collaborated with IIT Madras for development development of, of the first indigenously built Hyperloop system in India. The Hyperloop system is a technology based on the magnetic power of train. Okay. The 8th International Day of Yoga was organized by the Union Ministry of Ayush on twenty-first June in Mysore, Karnataka. The Odisha government in association with Abhinav Bindra Foundation Trust has launched Olympic value education program. Under this, Olympic values will be included in school education. The first complete National Women Legislator Conference 2022 was organized by Kerala State Legislative Assembly. Inaugurated by the President Ramnath Kovind, its aim was to focus on human rights, women representative, and gender equality. Recently, Kolkata has become the major and first po sorry, political metropolitan city in the country to prepare the comprehensive register of biodiversity. The people's biodiversity register includes 399 plants and 283 animal species. Minister of Civil Aviation and the Drone Federation of India has organized India Drone Festival 2022 at Pragati Maidan in New Delhi.

Rajasthan government has changed the name of the Mia Ka Bada railway station in Barmer district to Mahesh Nagar Halt. Tamil Nadu government has announced to provide breakfast along with midday meal scheme in primary school from class 1 to 5. Okay. Gati Shakti communication portal launched by Telecom Minister Ashwini Vaishnav to develop the telecom infrastructure and facilitating trade and commerce. Okay. Next, the World Bank has approved the financial assistance of $350 million. dollar million मिलियन डॉलर जो भी है फॉर गुजरात श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम डेली कस्टम हैज़ लॉन्च निगाह प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम हरियाणा इट विल बी यूज टू ट्रैक द कंटेनर्स दोस्तों नेची फ्यू टनल इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश बाई बी आर ओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइेशन अंडर प्रोजेक्ट वर्थाक दिस फाइव हंड्रेड मीटर लॉन्ग टनल इज डी शेड ओके सिचुएटेड एट अल्टीट्यूड ऑफ फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फीट The Indian Ministry of Housing and Urban Affairs has launched Swachh Surveys in 2023, followed by Swachh Bharat Mission Urban 2.0. Its theme is Waste to Wealth for Garbage-Free Cities. Okay. Ramgad Vishdhari Wildlife Sanctuary in Rajasthan has been notified as wildlife 52nd Wildlife Sanctuary of India. It is the 4th Tiger Reserve of Rajasthan. The Youth Tourism Club Initiative has been launched by the Ministry of Culture and Tourism. Its objective is to develop young ambassador of Indian tourism sector and enhance the tourism potential in India. Country's first, uh, Amrit server has been inaugurated at Patwai, Rampur, Uttar Pradesh. The lake is important for water conservation and environmental protection voting. Recently, India TAP initiative has been launched at the Plumbex India Exhibition organized by Union Ministry of Housing and Urban Affairs in New Delhi along with this Nirmal Jal Prayas initiative was also started. Its objective is to reduce water consumption and promote sustainable development recent life insurance corporation of india has launched india's largest ever initial public offering through this 3.5% stake in the lic has been sold to encourage private investment okay. cyclone asani has hit the bay of bengal caused huge devastation in andhra pradesh and odisha it was so named by sri lanka according to the report of india solar project tracker rajasthan became the first state to gross 10 gigawatt solar capacity those two चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रिसेंटली बेंगलुरु बेस्ड न्यू बैंक ओपन हैज़ बिकम इंडिया हंड्रेड यानी सोवा यूनिकॉर्न स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज वैल्यूड एट ओवर वन बिलियन डॉलर दोस्तों एंड वन नॉट वन जो है वो फिजिक्स वाला है आप सभी लोग देख सकते हैं फिजिक्स वाले तो फेमस है राइट यूट्यूब के उनके बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन का ही चैनल है वो एंड रिसेंटली द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हज डिलीवर मेल्स यूजिंग ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कच्छ गुजरात The Zoological Survey of India has named a new species of monkey found in Arunachal Pradesh as Sela Macau after the Sela Pass here. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world's first Nano-Urea plant in Gujarat. The use of Nano-Urea will increase the crop productivity and also to increase the income of farmers. Recently, Captain Abhilasha Barak has become the first woman fighter helicopter pilot in the Army Aviation Corps. Uttarakhand has become the first state in India to use drones in the field of healthcare Recently, a commercial drone corridor has been launched between Uttarkashi and Dehradun. Kerala will be uh, the first state to become the state-owned over-the-top platform, C-Space. It will be available at home once the movies get released in theatres. The second Organic Food Summit was organised by Department of Commerce and Industry and the Union Minister of Food Processing Industry. During this discussion were held to increase organic food processing and investment. Recently, Railtail launched PM Vani scheme to provide free Wi-Fi services at 100 railway Indian railway station. This scheme was launched by Department of Telecommunication in 2020. The first Khadi Center of Excellence has been established in New Delhi by Khadi and Village Industry Commission in collaboration with National Institute of Fashion Technology. Recently, two new judges, Sudanshu Dhulia and Jamshed B. Paridwal, has been appointed in the Supreme Court. Though, so this is also very important. And Union Minister Anurag Singh Thakur has launched the world's biggest film restoration project. अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन अंडर दिस अबाउट टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिल्म विल भी री स्टोर एंड जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स देर फ्रॉम एटी थ्री टू नाइन्टी आउट ऑफ विच फोर्टी थ्री जो है वो जम्मू के रहेंगे और फोर्टी सेवन किसके रहेंगे कश्मीर के रहेंगे दोस्तों एंड अरोहन फोर पॉइंट वो मीटिंग हज बिन ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन शिमला इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये लोग प्रमोट कर पाए दोस्तों नेशनल लेवल हेल्थ समिट वॉज ऑर्गनाइज अ स्टेचू ऑफ यूनिट इन खेवाड़िया गुजरात फ्रॉम फिफ्थ टू सेवेंथ में इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ठीक है चलिए नेक्स्ट छत्तीसगढ़ हेज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर उड़ीसा टू रिकग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स इन द नेशनल पार्क इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज बी सेटअप इन हैदराबाद अंडर दिस सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस विल बी डन रिसेंटली दसम गवर्नमेंट हेज डिक्लेयर बिहाली रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द स्टेट recently the inequality status in india report was released by economic advisor council to the prime minister. Okay. so what is the future science, it is divided into two parts. economic social unemployment in india in 2019 or 20, to 4.8%. wealth concentration was 7.1% in rural area and 44.4% in urban area. labor population ratio is 6.8%. okay. .8, eight surviving personnel associated with operation dhudi. In 1991, anti-terrorist operation Jammu and Kashmir were honored in Shillong. Dostu. Prime Minister Narendra Modi on 6 May has inaugurated the g Connect Conference 2022, organized by Jain International Trade Organization, Pune. It aims to bring together Jain communities together from all around the world. Scott President Ramnath Kovind has inaugurated the program Arogya Manthan in Bhopal, Madhya Pradesh. It aims to provide affordable access to quality healthcare facilities to the people. Recently, Indian Oil Corporation has launched M15 Petrol in Assam with 15% blending of methanol with Petrol. Okay. Shelly App launched by the government of Kerala, objected to prevent people of uh, state for, from disease caused due to daily lifestyle. And Reliance industry has become the first Indian company to achieve an annual revenue of $100 billion. So April 2022 ki baat Empowerment Mission launched by NTPC Power Company. ऑब्जेक्टिव की बात करें टू मेक द गर्ल्स ऑफ नियर बाई विलेजेस अवेयर अबाउट एजुकेशन हेल्थ एक्सेट्रा द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज डिक्लेयेर द नंजारन लेक हैज सेवेंटीन बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट दोस्तों रिसेंटली द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज़ बिन स्टार्टेड इन न्यू डेली एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पर्सनल लोन स्कीम फॉर द फैमिलीज ऑफ जेल इनमेट्स अंडर दिस एलो अपू फिफ्टी थाउजेंड विल बी प्रोवाइडेड टू मीट देयर नीड्स दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट उत्तर प्रदेश जो है टॉप है किसमें वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में दोस्तों और वेस्ट बंगाल जो है सेकंड प्लेस पे है वही अगर फ्रूट की बात करें फ्रूट फल जो आंध्र प्रदेश इज अ टॉप दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थ्रू दिस पोर्टल फार्मर्स विल गेट कंपेन्शन इन केस ऑफ क्रॉप फेल डेली गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर दिस चिल्ड्रन विल बी गिवन फ्री ट्रेनिंग इन म्यूजिक डांस आर्ट फ्टर स्कूल आवर्सुल महोत्सव और सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र इन झारखंड इन रिलेटेड अवसर स्कीम की बात करें लॉन्च बाई एट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म टू सेल्फ हेल्पसर स्टैंड फॉर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशन ऑफ द रीजन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशियटिव द कैंपेन लॉन्च बाय सदरन सेंट्रल रेलवे की बात करें टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडिजिनियस and local products at these stations. Okay. Union Home Minister Amit Shah launched the Seema Darshan project okay, on the Indo-Pak border in Gujarat. From here, the tourists can see the missiles tank used by the Indian Army. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Prime Minister Museum in New Delhi on 14 April. Contribution of all former Prime Minister of country has been showcased in the museum. Prime Minister Narendra Modi has unveiled 108 feet tall statue of Lord hermanji

the tallest national flag in the northeast will be hoisted at the indian national army complex in manipur on the occasion of independence day the height of the flag will be 165 feet rahega. the border road organization has announced to construct the world's highest tunnel at the Shinkula pass 16580 feet to connect himachal pradesh to zaskar valley of the Dakh. Okay. next so the union ministry for information broadcasting and youth affairs and sports anurag thakurji 140 joe charles from उसको इनाग्रेट किया मुंबई में टू प्रमोट द स्किल ऑफ लोकल क्राफ्ट मैन बबीता सिंह वो चूजन एज ग्लोबल पीस एम्बेसडर एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन न्यू डेली इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलार रूफटॉप सिस्टम हैज़ अनवेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात इट इज़ अ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट दट कैन इजिल बी टेकन अवे इट इज़ बींग मैनुफैक्चर बाय जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी जी आई जेड दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ कमीशन इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट Under this, anion exchange membrane technology will be used for the first time and it has a capacity to generate 10 kg of hydrogen per day. Dostu. American company Ability Electric Incorporation has announced to set the world's largest electric three wheeler manufacturing factory in Telangana, India. Maharashtra has become the first state in India to digitize bus ticketing system. Dostu. Passenger can use tap in, tap out features online. Theke? क्या है ये बस टिकेटिंग सिस्टम को डिजिटल कर दिया है जम्मू कश्मीर पल्ली विलेज हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ सोलर प्लांट इन पल्ली विलेज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल एड्रेस वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन भोजपुर बिहार ड्यूरिंग दिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेडी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नेशनल फ्लैग्स ओके नेक्स्ट इंडियन एक्ट्रेस दीपिका वन ऑफ द एट एट जूरी मेंबर कैनस फिल्म पार्कन वजरी held in france agra city of up has become the first city in the country to use vacuum based sewer system the complete care up and maintenance will be done by netherlands company for the next 5 years okay. jamtada district of jharkhand has become the first district in the country to have libraries in all the gram panchayat okay. maharashtra has become the first state in india to develop migration tracking system app to track the movement of migrant workers its object is to provide the benefit of integrated child development services to the माइग्रेंट बेनिफिशरीज इसके बाद संभा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के हेज बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री टू कवर हंड्रेड परसेंट हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अटल टनल की बात करें नाइन किलोमीटर लोकेटेड रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश हैज बिन अवार्डेड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनग्रेटेड कम्युनिटी रेडियो सिस्टम नेम्ड दूध वानी टू प्रमोट द डायरी इंडस्ट्री इन गुजरात This is a country first radio station entirely dedicated to animal husbandry. An MOU has been signed on the Global Innovation Partnership between the two countries during the two day visit of UK Prime Minister Boris Johnson to India. An agreement for cooperation in the field of nuclear energy was also signed. Dosto. So, recently, NITI Aayog has released the battery swapping policy 2022. Under this, in the first phase, priority will be given to the cities with a population of more than 40 lakhs. Dosto.

and chief justice of india nv ramana unveiled a software faster the fast and secure uh, transmission of electronic records it will allow supreme court to send interim order bail order via electronic channel Those two. the government of karnataka has approved the renewable energy policy for a period of 2022 to 27 under this a target of 10 gigawatt renewable energy supply has been set of 5 years the cabinet has approved the construction of 540 megawatt square hydroelectric project on Chinab river in Jammu Kashmir. Dosto. Prime Minister Narendra Modi has launched Amrit Sarovar mission for water conservation and rejuvenation uh, during the visit to Jammu Kashmir under the mission 75. Water bodies will be developed and rejuvenated. And India's first Amrit Sarovar has been built in Rampur, Uttar Pradesh. The seventh edition of Rasaina dialogue was organized in New Delhi from April 25 to 27 it is a multilateral conference to discuss international issues related to geopolitics and geoeconomics. the karnataka government has renamed the shivamogga airport after the name of former chief minister bs Edurappa. the smart Cities, smart urbanization conference was organized by union minister of housing and urban affairs in surat gujarat. Dosto. the first three-day semiconductor india conference was organized by minister of electronics and information technology in bangalore on 29th april. इसको इनोग्रेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे दोस्तों इट एम इज टू मेक इंडिया हैज सेमी कंडक्टर हब इंडिया का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वॉज लॉन्च एट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर उड़ीसा इट विल ट्रेन यूथ एज पर द डिमांड ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज लाइक यू एंड कैनेडा द पोर्टल अवसर लॉन्च बाय मनोज सिन्हा गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड मोर देन टेन थाउजेंड एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ नेक्स्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च एंटी करप्शन ऐप वन जीरो सिक्स फोर दोस्तों सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी म्यूजियम इन इंडिया वॉज ओपन इन ससोमा सेटलमेंट ऑफ गया विलेज इन नुब्रा वैली लेह लद्दाख एट्स ऑफ ससोमा डेली लाइफ विल बी कंजर्व दोस्तों ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डी सी जी आई ऑन ट्वेंटी सिक्स अप्रैल रिकमेंडेड द यूज ऑफ कोवैक्सिन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स जहाँ पे एमरजेंसी के लिए एज बिन अप्रूव किया गया था British Prime Minister Boris Johnson during his visit to Gujarat has inaugurated JCB plant built by British company. Himachal Pradesh government has decided to include chapters from Bhagavad Gita in both Hindi and Sanskrit books in government schools from 9 to 12. Union Minister yeah, Union Environment Minister Bhupendra Yadav launched a mascot named Prakriti for management of plastic waste. Simultaneously green initiative was launched to track the progress of plastic waste management. For the first time in India, a road has been constructed from industrial waste that is from processed steel slag in Surat, Gujarat. Operation Upalabd ki baat kare started by Railway Protection Force. Purpose is to curb the activities of black marketers and to make railway tickets available to common people. Potion Pakhwada was organized by Ministry of Women and Child Development from 21st March to 4th April. It aims to ensure access to the nutritional diet to mother and child. Dosto. The Kisan Bhagidari. Prathmitka hamari campaign was launched by minister of agriculture and farmers. welfare under this farmer will be made aware of government scheme and uh, emphasis will be given to increase their income. asia's biggest international food fair, ahar 2022, was organized in new delhi. exporters from various segments of agriculture products participated in this and exhibit their products. its main focus were geographical indication products, indian animal husbandry and dairy department in collaboration with cii, and Bill and Melinda Gates Foundation launched one health pilot project in Uttarakhand. India first international financial service center has been established in Gandhinagar, Gujarat. It will attract international investors, meet the needs of Indian economy. Rajasthan has become the first state to set up India's first L-Route server to promote e-governance and to provide uninterrupted internet services. Chale, the 20th meeting of National Tiger Conservation Authority in Arunachal Pradesh was chaired by Union Ministry of environment, forest and climate change at Pakke Tiger Reserve during this hornbill nest adoption and air gun surrender campaign was conducted in Arunachal Pradesh. A sub-variant of Omicron virus has been found in Mumbai, Maharashtra named XC. The government of Kerala has tied up with the Netherlands for COSMO Malabaricious project to highlight the state history. Dosto. Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of WHO Global Centre for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat. द सेंटर इज बिंग सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुषण कोलाबोरेशन विद डब्ल्यू एच ओ और इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गनाइज इन मुंबई बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज एंड मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड फेकी और इंडिया विल होस्ट ट्वेंटी फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन मुंबई प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद वॉज इनागरेटेड नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एकता नगर गुजरात हो गया दोस्तों मणिपुर गवर्नमेंट हैज लॉन्च कैस द रेन कैंपेन टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन इंडिया का रैपिड रेल हैजिन रन ऑन गाजियाबाद दिल्ली मीरट कॉरिडोर इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर रहेगी एंड इट विल आल्सो द फर्स्ट इन कंट्री टू हैव प्रीमियम कोच रिसर्चर्स फ्रॉम आई आई टी मैड्रास है पहला पॉलिसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं कदम नाम रखा गया है योगा महोत्सव हैज बिन ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुश On the occasion of old Health Day, on 7th April at Red Fort, Delhi, and it lasted till the day of International Day of Yoga. Union Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Thakur has launched the mascot Vira, Dostu, okay? an elephant of Khelo India University Games to be held in Bangalore. Country's tallest medical tower is being built in Jaipur, Rajasthan. It will be 22-storey building with the heights of 116 meters. Okay. The famous Kangra tea of Himachal Pradesh will be given GI tag by European Commission. Union Minister of Home and Cooperation Amit Shah has inaugurated Amrit Samagam, a conference of ministers of tourism and culture of the country, New Delhi. The Waterways Conclave 2022 was organized by Inland Waterway Authority of India in Dibudugad, Assam. The Government of Karnataka has launched SANS campaign to ensure the awareness and early detection of pneumonia in children under the age of 5. म्यूजिक प्रोजेक्ट लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ मेघालय पर्पज इज टू हेल्प आर्टिस्ट बाय आइडेंटिफाइंग म्यूजिकल टैलेंट्स नेक्स्ट मार्च की बात करें द नागालैंड असेंबली फर्स्ट असेंबली टू बिकम कम्पलीटली पेपरलेस बाय इंप्लीमेंटिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम नाउ द लेजिस्लेटिव फंक्शन कंडक्टेड डिजिटली दोस्तों श्रीपति टूडू ऑफ वेस्ट बेंगाल ट्रांसलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इंटू ऑचिकी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया And through this, people who know Santhali language will have access to constitution. This is very, very important. Okay. Next, ZRI from Maharashtra has become the youngest and fastest female swimmer to swim across the park state. She is only 13 years old and completed his feats uh, successfully by covering a 29 kilometers. Standing committee of National Wildlife Board announced to observe 5th October as National Dolphin Day. द रेट फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता वॉज ऑर्गनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन न्यू डेली फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थर्ड अप्रैल अंडर दिस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंडिया हेरिटेज आर्ट कल्चर वर ऑर्गनाइज्ड इंडिया का पहला एस ए आई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल बी सेटअप इन शिमला बाई हिमाचल प्रदेश ठीक है इंडिया का पहला बोल रहा हूँ मैं नैशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस सी आई का एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथन अफेयर्स फोर्ट द सेंटर विल ट्रेन एथलेटिक्स इन बाइस्किल मोटर क्रॉस एंड माउंटेन टेरेन बाइकिंग यूनियन मिनिस्टर एंड of Union Environment Minister and Union Minister of Jal Shakti jointly released a detailed project report rejuvenation of 13 major rivers. Dosto. On 29 March 2022, Prime Minister Narendra Modi inaugurated BIP Lobhi Bharat Gallery at Victoria Memorial Hall in Kolkata. The gallery showcased the revolutionary involved in the freedom struggle. Dosto. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Defence University building at Gandhinagar in Gujarat. Ministry of Rural Development organized the third edition of Gender Samvat. It was organized under Deendayal Yojana National Rural Livelihood Mission. The Delhi government has announced the launch of mega campaign for urban farming. Under this, people will be encouraged to grow vegetables at home. The government will also organize a round table conference for the same. Okay. Scotch State of Governance Ranking 2021 ki baat released by Scotch Group according to the performance of states in various projects at state, district and municipal level. First place is Andhra Pradesh, second is West Bengal. वुमन एट वर्क प्रोग्राम की बात करें स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट टू फाइव लाख एजुकेटेड वुमेन्स बाय द ईयर टू थाउजेंड चलिए नेक्स्ट आई हैदराबाद डेवलप ए स्मार्ट वेंटिलेटर कॉल्ड जीवन लाइट फॉर कमर्शियल यूज इट कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्यप्रदेश इनाग्रेटेड स्टेट का पहला ड्रोन स्कूल एट ग्वालियर एंड इन मध्यप्रदेश फोर मोर ड्रोन स्कूल वी ओपन इन एडिशन टू दिस दोस्तों पहला ड्रोन फेयर हुआ था ग्वालियर में पहला ड्रोन शो हुआ था लखनऊ में और पहला ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी आईआईटी गुवाहाटी में दोस्तों और पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खुला है ग्वालियर में ही खुला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस है सेटिंग अप ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी इन पुणे द सिटी विल बी नेम्ड इंद्रयानी मेडिसिटी ट्वेंटी डिफरेंट हॉस्पिटल विल बी सेटअप इन द सिटी इंडियन रेलवे आज कमीशन द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट थापड़ नगर इन असोलसोल डिवीजन दिस इज इन लाइन विद गतिशक्ति स्कीम Launched by Prime Minister in the budget 2022-23, it was announced to open 100 multimodal cargo terminals. India's first World Peace Center will be set up at Gurugram in Haryana. The center will promote education programs in coordination with ancient and modern knowledge. The Bihar government has announced it will take digital document related to land, including maps, to the people of the state from door to door. Bihar will be the first state in the country to do so.

इंडिया का मुंबई सिटी जो हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन बाई टू थाउजेंड फिफ्टी इंडियाज लॉन्गेस्ट शिप एवर एम वी राम प्रसाद बिस्मिल अराइव एट पांडू पोर्ट इन गुवाहाटी, फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन हल्दिया वेस्ट बंगाल और जो लेंथ है शिप की वो नाइन्टी मीटर है विद्थ जो है ट्वेंटी मीटर है इंडियन आर्मी अनाउंसर्स सेटिंग अप ऑफ छेयर ऑफ एक्सलेंस इन न्यू डेली इन ऑनर ऑफ जनल बिपिन रावत एंड महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड हेज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बाई प्रोड्यूसिंग वन फिफ्टी सेवन मिलियन टन ऑफ कोल दोस्तों यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोएटा मिरा या देख लीजिए टोएटा मिराए इट इज टू मेक द कंट्री कार्बन फ्री हो गया नेक्स्ट केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर एज ए सेलेक्टेड लोकेशन इन द फर्स्ट फेस कार्बन न्यूट्रल कल्टिवेशन विल बी डन इन थर्टीन फॉर्म्स कितने फॉर्म्स में किया जाता है थर्टीन फॉर्म्स में किया जाता है दोस्तों द गवर्मेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आज रिलीज अपना कांगड़ा ऐप विच एम्स टू प्रमोट द सेल ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट मैनुफैक्चर बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके बाद फिश सेतु ऐप रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दिस द फिशरमैन विल बी मेड अवेयर ऑफ एक्वेटिक फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी द सेंट्र गवर्नमेंट लॉन्च द माई रेशन मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई फेयर प्राइस शॉप टू बेनिफिशरीज ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड टू फैसिलिटेट वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लॉन्च इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम The FATR data bank will collect the list of water data received from various institutions and provide reliable information on water. The government of Gujarat launched new sports policy 2022 27. Its object is to promote sports talent in the state. As per the report released, the state of Kerala recorded the lowest maternal mortality rate in the country. In India, the ratio is 103 per lakh. Our Sagar Parikrama ki baat kare as a part of Amrit Mahotsav of Independence, starting from Shamji Krishna Verma Memorial in, Gu in Gujarat from March 5th. Jointly, Kisna Start Department of Fisheries, Government of India and Gujarat Fishery Department. Objective is to unite the fishing community of the coastal states of India and to promote fish production of seafood products. India first mobile ambulance was launched in Chennai, Tamil Nadu for the treatment of animals roaming on the roads. Indian Railways has developed safety, a safety system called Kavach to protect railways from accident. This technology will stop the train before any accident. डोनेटेड पेंशन प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर अंडर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मंदना योजना इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पार्क विथ हंड्रेड परसेंट फीमेल ओनरशिप हैदराबाद इन तेलंगाना द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इन द तेलंगाना गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू बाद ऑन्टर ऑफ महाशिवरात्रि लैख अर्धन लैम्स मध्य प्रदेश

The plant can generate 42 million units of electricity annually. The plant was constructed by Southern Petrochemical Industry Corporation Limited. The world tallest statue of Lord Buddha being constructed at both Gaya and Bihar. The statue is 30 feet high, 100 feet long, sculpted by in into Paul Ne School. The Bombay Suburban Electric Supply has set up India's first smart managed EV charging station in New Delhi. The station can charge up to 5 electric vehicles at the same time. This is also important. Prime Minister Narendra Modi unveils the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Pune, Maharashtra. The statue is 9.5 feet high and made up of gunmetal. The Delhi government has launched a school health clinic to check physical and mental health of the children. Union Home Minister Amit has announced 33% reservation in government jobs for women in Tripura. The central government has approved the opening of Global Centre of World Health Organization at Jamnagar in Gujarat. To promote traditional system of medicine, it will be set up under Ministry of Ayush. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अपन ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर लोन अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू हेल्प ग्रुप्स इन द वेस्ट बंगाल टू एक्सेस सोशल सिक्योरिटी सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम केरल हाईकोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फुल इसके बाद हम आ चुके हैं फेब्रुवरी दो हजार बाईस में दोस्तों खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी फ्रॉम गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट विद दिस नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैज़ गॉन अप टू फोर्टी नाइन बट अभी जो है इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो सेवेंटी फाइव हो चुके हैं ठीक है On 5th Feb, Prime Minister Narendra Modi unveiled two 16 feet tall statue of 11th century Bhakti Saint Ramajinacharya in Hyderabad. It will be called Statue of Equality, dosto. The idol is made up of Panchaloha, gold, silver, copper, brass or zinc. The tableau of Uttar Pradesh has been selected as best tableau among the 12 states' union territory which participated in Republic Day Parade on January 26, 2022. The tableau of UP was based on theme One District, One Product, Kashi, Vishwanath, Tham, dosto. सो इंडिया का सेकेंड एंड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बिंग कंस्ट्रक्टेड एट जयपुर इन राजस्थान ओके नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद एक लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इसको माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट की बात करें बींग सेटअप इन खांडवा मध्य प्रदेश इट विल प्रोड्यूस वन टन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम थर्टी टन ऑफ बायोमास पर डे दोस्तों Prime Minister Narendra inaugurated Asia's largest bio-CNG plant at Indore in Madhya Pradesh. It will have a capacity of 550 tons per day. India has become the first country in the world to introduce DNA vaccine called Zykov-D against COVID-19. The vaccine has been produced by Ahmedabad-based Zydus Cadila Company. 9.2 kilometer long Atal tunnel was organized are recognized as the longest highway tunnel in the world by World Bank of Records, World Book of Records. इट इज लोकेटेट अट टेन थाउजेंड फीट इन द ईस्टर्न पीर पंजल रेंज ऑन लेह मनाली हाईवे इट पाससतुर रोहतांग पास इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन विल भी सेटअप इन सूरत बाई डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल स्टार्ट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद इसका जीवा प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड इन लेवन स्टेट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट इको फ्रेंडली नेचुरल फॉर्म अंडर वाटर शेड एंड बॉडी प्रोग्राम होप एक्सप्रेस की बात करें इस अ कांड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट मुसाइक थ्री डी रेडिएशन Launched by Health Minister of Maharashtra Dustu. Objective to take measure for prevention of cancer in the state. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari and Bihar Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the railway come road bridge over River Ganga in Munger District. Dosto. The bridge is built on NH 333B and total length of project is 14.5 Km The Minister of Railways has approved the setting up of India's largest wrestling academy at Kishan Ganj to promote wrestling. Maru Mohosa was organized at Jaisalmer in Rajasthan from February 13 to 16. Under this, regional folk dances were displayed. Dosto. Okay. Mandu Festival, Madhya Pradesh. The Medharam Jatra Festival was organized by Koya Tribe in Telangana from Feb 16 to 19. For this, 2.26 crores was allocated by Union Ministry of Tribal Affairs and it is the second largest fair in Asia. Dosto. The New India Literacy Program for period 2022 27 was launched by the Ministry of Education. Its aim is to promote adult education. The government has transformed adult education into education for all. India's Ayurvedic company Dabur India has become India's first plastic waste neutral company. It achieved this feat by recycling about 27,000 megatons of plastic waste during the year 2021-22. Okay. The Union uh, uh, Minister of Power R K Singh has set a target of zero diesel use and use of renewable energy in agriculture of India by 2024. Rajasthan stood first in terms of solar power based electrification of household. सौभाग्य स्कीम अग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम बाय एस बैंक ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट डिजिटल फाइनेंसिंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर द कारवन पार्क इज बिंग कंस्ट्रक्टेड वागामी डिस्ट्रिक्टरला द पार्क हैज नेसेसरी फेसिलिटीजर्ट ऑफ दीपल सच एज इंटरनेट किचन सोफा फ्रिज एसी विल भी अवेलेबल दसाम गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया का पहला नाइट नैविगेशन मोबाइल ऐप दोस्तों क्या है इंडिया का पहला नाइट नैविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी द फर्स्ट जर्नी ऑफ दी नाइट विद दिस नेगेशन सिस्टम वॉज मेड बिटवीन गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में हुआ था इंडियन रेलवे विल कंस्ट्रक्ट इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज ओवर अंजी रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर द ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर उद्धाम श्रीनगर बारामूला रेलडिंग प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किसान ड्रोन यात्रा एंड इनिशियूट ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस लिमिटेड फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इन फील्ड इन सेवरल स्टेट ऑफ इंडिया दिस हंड्रेड किसान हैव बीन इंस्टॉल्ड दोस्तों सौ विलेजेस में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गनाइज टूडे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवायट्ट भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर एट हम्पी कर्नाटका द डेली कैबिनेट हैज अप्रप्रूव द सेटिंगअप ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क द पार्क विल रिसाइकिल ई वेस्ट इन सेफ मैनर द फोर्टी फिफ्थ इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर वॉज लॉन्च ऑन फेब्रुवरी ट्वेंटी एट द फोकस कंट्री दिस ईयर वॉज बांग्लादेश दोस्तों Waste Wealth Creation Program launched by SIDBI that is Small Industrial Development Bank of India objective to encourage women in the Sundarbans of West Bengal to make jewelry and show pieces from fish scales Daravali Biodiversity Park at Gurugram in Haryana has been declared India's first other effective area based conservation measure the status of OECM is given by IUCN to those areas which conserve biodiversity but not protected areas Union Ministry for Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya ji, launched intense mission in Indra 4.0. It aims to ensure complete immunization among children. The mission covers pregnant women and children also. The world's largest igloo cave has been opened at Gulmarg in Jammu Kashmir. The cave is made up of ice which is called snow glue. It has a height of 37.5 feet. How okay, feet is 37.5 and width 44.5 feet. Jammu Kashmir has become the first union territory to join single window clearance system this is also very very important through this industrial service has been made online so that investors can apply for business darkathon 2022 was organized by narcotics control bureau in field on feb 15 to find solution to deal with the drug trafficking the bihar government announced to observe 15th feb as a martyrs day in memory of the 34 freedom fighters killed by police in munger in 1932 इंडिया का पहला लेवल थ्री मोबाइल बायोसेफ्टी लैबोरेटरी वॉ सेटअप एट नासिक द एम इज टू चेक फॉर न्यू एमर्जिंग वायरल डिसीजेस इन इंडिया नेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद दोस्तों प्रोजेक्ट अरोहान की बात करें द असाम गवर्नमेंट विल लॉन्च फोर ईयर प्रोग्राम इन कोलेबोशन विद टाटा ग्रुप इट एम्स टू गाइड द स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देर स्किल्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम एंड नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स लॉन्च Sustainable Cities India Park India program under this 5 to 7 cities of India will decarbonize into two years. The first solar power plant of Indian Railway has been launched in Madhya Pradesh. It has a capacity of 1.7 megawatt. For the first time in India, Oceans 2022 conference was organized by IT Madras and National Institute of Ocean Technology. It is a program of global marine research. It is objective to discuss about tackling marine pollution. Theme, inspire, innovation, sustain, the ministry of education has extended the duration of rastriya uchatar shiksha abhiyan okay, scheme till 2026. it was launched in 2013 with the object of funding higher education institution. <coughs> the t-49 tunnel is being constructed by the indian railways under udhampur srinagar Baramula rail link project, which will be the longest tunnel in india. its length is 12,758 kilometers. i think it's 12. टनल है ना आई थिंक इज टूवेल्व किलोमीटर्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन रामपाल मेघवाल ऑर्गेनाइज इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी बीकन ए राजस्थान मोर देन वन लैक स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज इयर द डेली पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू लॉन्च क्या लॉन्च किया उन्होंने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया है यहाँ पे अंडर दिस स्मार्ट कार्ड विल नाउ हैव टू सेल्फ Of in the place of heavy arm license booklet. Okay. isha app has also been introduced for this. Old largest bell is being constructed on the Chambal river front in Rajasthan. The weight of the bell is 82,000 kg. Very the central government has banned 54 Chinese apps under section 69 of IT Act for posing a threat to the country's security. Finance Minister Nirmala Sitharamanji released first color memory coin on Panchatantra composed by Vishnu Sharma. Union Ministry of Port and Shipping and Waterways set up Nirakshan Southern Dredging Museum at Vishakapatnam. It presents historical models of different types of dredging. Vedanta Limited Oil and Gas Producer Company Kane has discovered oil reserve at Barman in Rajasthan, which is named as Durga Adustu. Indian company Vedanta has started up with Foxconn, the world's largest electronics manufacturer, to manufacture semiconductors in India. This will boost domestic manufacturing of electronics in India.

मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन एग्रीमेंट विद एसबीआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर याद रख लीजिए ताकि इंडियन हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रमोट कर पाए द हरियाणा कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एंटी कन्वर्जन बिल थ्रू दिस बिल इट हैज़ बिन प्रपोज टू बैन द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट ये कर्नाटक में भी रिसेंटली निकाला था गोर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूट मेराइन एलिट फोर्स एट नागापट्टिनम टू कंजर्व बायोडावर्सिटी गल्फ ऑफ मनार एंड गल्फ ऑफ पार्क एंड डेंजर जो भी स्पीसीज होते हैं ना जो एक्सटेंट के करीब होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है दोस्तों द कंट्रीज फर्स्ट ऑल्कोहल एंड वाइन म्यूजियम हैज बिन बिल्ट इन गोवा द कल्चर ऑफ गोवा द टेस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड वोल्ड अल्कोहल फेनी अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हैज कंस्ट्रक्टेड एट तीन मूर्ति भवन इन न्यू डेली द म्यूजियम शो केस ऑफ ऑल लाइफर प्राइम मिनिस्टर्स फिनटेक ओपन समिट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के द्वारा एंड इनाग्रेट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ताकि फिनटेक कंपनीज़ को प्रमोट कर पाए ओके पर्वतमाला स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था फॉर द हिली रीजन ऑफ इंडियन जैसे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट को इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एक्सपैंड लोकल रेलवेज केबल्स एंड रोपवेज दोस्तों सेंटर अप्रूव रीनेमिंग ऑफ थ्री प्लेसेस इन मध्य प्रदेश होशंगाबाद को नर्मदापुरम रखने के लिए बबाई को मक्खन नगर शिवपुरी को कुंदेश्वर धाम इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की बात करें लिस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव टारगेटेड द मीडिया मोस्ट फर्स्ट प्लेस जो है जम्मू कश्मीर इंडिया का पहला वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च इन मुंबई इट विल कनेक्ट नवी मुंबई एंड साउथ मुंबई इन बेलापुर द स्टेट फर्स्ट बायोडावर्सिटी पार्क ए जीन बैंक नर्सरी फॉर मैंग्रूव स्पीस इसका मेन एम ये है कि कंजर्व करें मैंग्रूव फॉरेस्ट को दोस्तों द कंट्री सेकेंड हाइएस्ट फर्स्ट इन लद्दाख ट्राई कलर अरुणाचल प्रदेश

मिशन अमानत की बात करें लॉन्च बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑब्जेक्टिव टू ट्रैक द लॉस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर एंड टू मेक अवेलेबल द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेलवे वेबसाइट द ट्वेंटी फोर्थ नैशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन हैदराबाद तेलंगाना अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सिक्स कैटेगरीज वर वल्सो गिवन ड्यूरिंग द इवेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोगेट्स एम एस एम ए टेक्नोलॉजी सेंटर इन पुडुचेरी द सेंटर विल प्रमोट अबाउट टू थाउजेंड एम एस एम एस एज वेल एज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ट्वेंटी थाउजेंड यूथ नेशनल यूथ फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन पुडुचेरी का पहला कोल्ड मिथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इनबाद इट हेज बिन मैन्युफैक्चर्ड बाईन इलेक्ट्रिकल काला कुम वॉज ऑर्गेइज बाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू डेली अंडर दिसोरी ऑफ हिरोज इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट सेनवरी नेशनल स्टार्टअप डे इंपॉर्टेंट है उसके बाद ऑन द ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन जनवरी ट्वेंटी थर्ड ए होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अनवील्ड एट इंडिया गेट द स्टैचू इज ट्वेंटी एट फीट हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मर्ज अमर जवान ज्योति विद ज्योति ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल दोस्तों इसको बनाया गया था नाइनटीन सेवेंटी टू में द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स जो शहीद हो गए थे इंडो पाक पाकवार में The National War Memorial was built in 2019 in which the names of martyred soldiers from 1947 to 2020 are recorded. Himachal Pradesh has become the first smoke-free state in India. The major milestone has been achieved while riding on the back of welfare schemes like Ujjwala Yojana Center and Himachal Grihini Suvida Scheme. The state has also become the 100% LPG-enabled state in the country. The central government celebrated the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on January 23rd as Parakramam Diwas.

इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकाडमी वॉज लॉन्च एड लखनऊ इन उत्तर प्रदेश इट एम्स टू फर्दर इम्प्रूव इंडिया परफॉर्मेंस एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर पैराल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी अप्रूव सेटिंग अप ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्राफिन इनोवेशन सेंटर इन केरला इट विलटअप इन कोलाबोरेशन विथ टाटा स्टील लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट गुरुग्राम इन हरियाणा इट वॉज डिजाइन बाइ नैशल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों

First state-level bird atlas. The atlas contained 361 species of birds. Ministry of State for Culture, Minakshi Lekhi launched Northeast on the Wheels campaign in New Delhi to promote culture of northeastern state 75 bikers participate karenge expedition mein, which cover about 9000 kilometers. The Haryana government has announced the setting up the country first heli hub at Gurugram. In this, helicopters will have all the facilities at one place. So after the launch of battery operated boats in Kochi. It has become the first city in India to have hydrometer project the project has been named as mujris Prime Minister Narendra Modi has announced to celebrate 26 December as Veer Bal Diwas the day which will celebrate to pay homage to four sons of Guru Gobind Singh Khadi and Village Industry Commission launched India ka Pahla mobile honey processing van in Ghaziabad the quality of honey is also tested by processing it in this van just. Next, Jerry Hamlet was declared as the first milk village of Jammu-Kashmir. Jerry Hamlet, this is very very important. The Indian Council of Medical Research has approved a kit that will be used to detect Omicron. The kit is manufactured by Tata Medical and Diagnostic and name is named as Omishur. The Kerala High code has become India's first paperless code to convert codes into small codes. Ganjam district of Odisha has been declared as India's first child marriage of free district. Under the Nirbhaya Khadi campaign, Ganjam district achieved the feat of preventing child marriages. इंडिया का पहला जियो साइंटिफिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड एट लामता इन जबलपुर मध्य प्रदेश द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्क विल प्रोमोट द कंजर्वेशन ऑफ जियो साइंटिफिक हेरिटेज दोस्तों मना बना बड़ी प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट ने निकाला था ताकि स्कूल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएं उसका नीट थ्री पॉइंट ओ जो कि फुलफाम में नैशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर दिस द यूज़ ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन डेवलप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विल बी एनकरेज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स द गुजरात हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च जस्टिस क्लॉक इट विल हैवेव एल ई डी डिस्प्ले वॉल विद इन द कोर्ट एंड विच विस्प्ले द पेंडिंग केसेज एंड डिस्पोजल ऑफ केसेिस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनागरेट कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर इन चंडीगढ़ ताकि स्पेस साइंस के बच्चों को ये लोग ट्रेन कर पाए द यूपी गवर्नमेंट एज अनाउंस टू नेम द मैनपुर सैनिक स्कूल आफ्टर जनरल बिपिन रावत निरा माया स्कीम द स्कीम वॉज लॉन्च इन असाम बाय नैशनल हेल्थ मिशन इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इन द स्टेट HDFC Bank was named as the best private bank in India at the Global Private Banking Awards 2021. Shivangi Singh became the first woman pilot to fly the Rafael fighter aircraft at Republic Day Parade on January 26, 2022. The central government has given the ownership of Air India to Tata Group. Farmers of Doda district of Jammu Kashmir are promoting the culture of lavender, which is being called Purple Revolution. Cultivation of lavender flower is being promoted under Aroma Mission.

चीफ मिनिस्टर का भी पद संभाला था फॉर सिक्स टर्म्स ओके नेक्स्ट नाइन्थ एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी फ्रॉम सेवन टू नाइन्थ जनवरी इट एम्स टू प्रोमोट टूरिज्म इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिस इयर द थीम वॉज कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ सीरियम ए प्रोवाइडर ऑफ एविएशन स्ट्रेटिस्टिक्स टू द ट्रेवल फाइनेंस एरोस्पेस एंड एविएशन इंडस्ट्री हैज चेन्नई एयरपोर्ट होल्ड द एट रैंक इन द वर्ल्ड फॉर ऑन टाइम एफिशियंसी दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम वॉज बिल्ट इन लेह लद्दाख इट हाइट इज इट्स थाउजंडीएस्ट नॉट लार्जेस्ट कुंभलंगी विलेज इन बिकम द इंडिया सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज अंडर अवलखाई इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी रिलीज ए पिक्टोरियल कॉमिक बुक टाइटल इंडिया वुमेन अनसंग हिरोज टू पेब्यूट टू वुमेन फ्रीडम फाइटर्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज डिक्लेयर फोर विलेजेस ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट निियर नेपाल बॉर्डर एज रेवेन्यू विजेस दोस्तों याद लीजिए साउथ कोरियन कंपनी पॉस्को साइंस एम ओ यू विथ इंडियन कंपनी अदानी ग्रुप टू सेटअप स्टील प्लांट इन गुजरात यहाँ पे यू नो थर्टी सेवन थाउजेंड करोड्स का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों गुजरात में चलिए दिसंबर में हम आ चुके हैं दिसंबर नवंबर सिर्फ दो मंथ्स अभी बचे हैं नेशनल इवेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में भी द फर्स्ट पॉडकास्ट टाइटल खिस्सा खाकी का वॉज रिलीज बाई डेली पुलिस थ्रू दिस पुलिस विल रोजिस द पब्लिक ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ दोस्तों Ahmedabad Sundarban Mini Zoo was launched adopt an animal initiative to overcome financial hardship during the pandemic under this initiative adopter will bear monthly maintenance cost of adopted animal Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first phase of Kash Vishwanath corridor project with amount of 339 crore National Energy Conservation Day was celebrated on December 14 with theme Azadika Amrit Mahotsav Energy Efficient India The National Commission for Women has launched She is a Change Maker program फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इट इज एम टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ वुमेन पोलिकल लीडर्स एट एवरी लेवल सो डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन काजू वैली इन तमिलनाडु वॉज डिक्लेयर अक्सटीन बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट दोस्तों काजूवैली इज द सेकेंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है साउथ इंडिया का ये भी आज रख लीजिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटिक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च अ साइबर सिक्यूरिटी स्किल्स प्रोग्राम अंडर विच मोर देन वन लैख इंडियंस विल भी ट्रेड इन साइबर सिक्यूरिटी बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो ऑन डिसंबर इलेवन की बात करें Prime Minister Narendra Modi inaugurated Saryu Canal National Project, the largest project in Uttar Pradesh. Five rivers, like Ghagra, Saryu, Rapti, Banganga, Rohini, has been connected under this project. Vyasi Hydroelectric Project has been constructed on river Emura in Uttarakhand with a capacity of 120 megawatts. In India, the first case of infection from Omicron, the new variant of Corona, was reported in Karnataka. First case in the world is South Africa. Ministry of Rural Development and Flipkart signed an agreement for empowerment of self-help groups. And to bring them under the ambit of e commerce, under this, the market will be provided to the workers of self help groups. Durga Puja, the famous festival of Kolkata in India, has been included in the list of UNESCO Cultural Heritage. Hashtag Care for Hockey campaign by the Bajaj Alliance ne shuru tha, to promote the development of hockey in India. Dostu. The Union Cabinet has approved the Ken Bethwa Link project. The total cost will be 446 crores. Dhaudan Dam will be constructed under this project. This will benefit the region of UP and MP. एन लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट फ्रॉम सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन इन विशाखापट्टनमीटिंग अपल टिंकर नीति आयोग लॉन्च ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोऑलेशन इन कोलाबरेशन विद्ल्यू आर आई इंडिया इट से कंट्री यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मा उमिया धाम विकास परियोजना इन अहमदाबाद गुजरात दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट डिक्लेयर्स जगन्नाथ रथ यात्रा फ्लॉट कृष्णा एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर वॉज इनागरेट इन हैदराबाद तेलंगाना दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेस वे एट शाहजहांपुर इन उत्तर प्रदेश इट विल बी लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन यूपी दोस्तों प्रोजेक्ट अंबेर ओके लॉन्च बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन जनरेशन इंडिया फाउंडेशन इन न्यू डेली ऑब्जेक्ट इज टू ट्रेन मोर देन थर्टी थाउजेंड यूथ इन द कंट्री अब आया प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था टू ट्रेन गर्ल्स एंड मेक दम अवेयर ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ओडिशा का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु बिल्ट इन महानदी इन कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा वॉज इनॉग्रेटेड इट्स लेंथ इज फोर किलोमीटर द ब्रिज इज ऑफ टी शेप द यूनियन कैबिनेट ऑन डिसंबर टू थाउंडी वन हैज अप्रूव ए प्रपोजल टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरेज अठारह साल से अभी इक्कीस साल तक इंक्रीज करने की बात की गई है दोस्तों So it has to be amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006. A three-day flute festival was held in Pilihat, UP, where the record of making world longest flute was set. More than 2,000 dogs have been infected with uh, parvo virus in Amravati city of Maharashtra. Government of Gujarat organized river festival on the banks of Tapi river in Surat to honor the rivers. Right to pee campaign launched in Nagpur, Maharashtra. Object is to provide clean and free toilets to the citizens. उत्तर प्रदेश टू वीरा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन संकल्प मेमोरियल वॉज अनवील्ड इन अंडमानी सुभाष चंद्र बोस झारखंड असेंबली पास टू प्रिवेंट मॉब लिंचिंग ए रोड इन सिक्किम रीनेम फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू रोड टू नरेंद्र मोदी मार्क कर दिया गया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलनाइजेशन अप्रूव टू नो कोरोना वैक्सीन जो है अप्रूव किया था कोर्बोवैक्स एंड कोवैक्स एंड मॉल पिवीर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन इंडिया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनग्रेट द भारत दर्शन पार्क इन न्यू दिल्ली दिस पार्क ट्वेंटी वन फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ द ट्रेन द डेली कैबिनेट हैज हैज्रव्ड द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट टीचर्स यूनिवर्सिटी न्यू डेली इट विल एक्ट एज हब इन प्रिपेयरिंग द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स इन डेली दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश जैसे कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट धाल धौला सिधा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड सवरा कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोस्तों नेक्स्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस तमिल थाय वजातु एंड इन वोकेशन संघ इन द प्रेज ऑफ मदर तमिल एज अ स्टेट एंथम एंड डायरेक्टेड एवरी वन प्रेजेंट टू स्टैंड थ्रू इट्स रिडेंशन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अनाउंस इशू ऑफ ट्राइलिंग और लैंड पासबुक इन हिंदी उर्दू इंग्लिश अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 इश्यूड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट पोजीशन किसे दिया गया आईआईटी मद्रास को नवंबर 2021 लास्ट मंथ हम आ चुके हैं यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह एज इनागरेटेड द पकल धोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन मारसूदार रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब इन द जम्मू कश्मीर कैपेसिटी ऑफ थाउज मेगावाट श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनिस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दोस्तों विद अ नेम टू प्रमोट योगा इंडिया का पहला नेशनल योगा साना चैंपियनशिप बीन ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर उड़ीसा India Kapella Grass Conservation Centre was inaugurated at Rani Khe, where various species of grasses will be preserved. The Government of Arunachal Pradesh adopted the Pakke Declaration, which is based on climate change, during the meeting held at Pakke Tigerism. The declaration focuses on five topics. Union Ministry Pyush Goel launched India's first digital food museum at Tanjavur in Tamil Nadu, which has been developed by FCI Food Corporation of India. Or India Kapella Fishery Business Incubator was set up at Gurugram in Haryana. Which was inaugurated by Union Ministry Purushottam Rupala. This will boost the startups related to the fishing. On 19 November 552nd birth anniversary of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhism, was celebrated. It is also known as Prakash Usav or Guru Parva. The Minister of Home Affairs has named the Sadar Bazar Police Station, in Delhi, as the best police station in the country for the year 2021. Andhra Pradesh has been recorded as the status of best maritime state in the country by the Department of Fisheries. बेस्ट मेरेटाइम डिस्ट्रिक्ट इस बालासोर उड़ीसा हो गया बेस्ट इनलैंड स्टेट जो है तेलंगाना हो गया दोस्तों एच इंडिया लॉन्च इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड मेडअप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड एस हैज लॉन्च वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम विद अ नेम टू रिमूव माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द कंट्री दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार इन उत्तर प्रदेश और एयरपोर्ट जो है ये 2024 तक ओके okay, यानी आने वाले दो साल में कंप्लीट हो जाएगा दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड टू कंप्लाई विद न्यू ट्रैफिक रूल्स द बोर्ड विल हैव एटलीस्ट थ्री एंड मैक्सिमम ऑफ सेवन मेंबर्स दोस्तों द फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लैबोरेटरी इन द कंट्री हैज बीन डेवलप बाइ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गुरुग्राम फॉर डोमेस्टिक टेस्टिंग ऑफ ग्रेन सैंपल्स The Purvanchal Expressway was inaugurated by Prime Minister Modi on 16 November 2021 in Sultanpur district of UP. The length of this expressway is 341 kilometers. Purpose taking off and landing Air Force fighter jets in the case of emergency. Total cost of construction of this expressway is about 22,500 crores. The Swadesh project was launched by National Brain Research Center Haryana. It is the world's first multimodal brain imaging data and analytics. The first, the village of Pochampal in Telangana has been selected as one of the best uh, tourist villages by the United Nations World Tourism Organization. The world highest rail pillar bridge is being constructed in Manipur by Indian Railways. Its height will be 141 meters which will break the record of Mala-Rajika Bridge in Montenegro, Europe. Arunachal Pradesh launches India's first Organical Certified Fruit, kevi And Udaan Usav was celebrated at Veer Surendra Sai Airport at Jharsaguda in Odisha. एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 की बात करें इशूड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पहला प्लेस जाता है कर्नाटक को और दूसरा जाता है दोस्तों राजस्थान को इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट फोर्टी फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्टिका इन्वॉल्विंग ट्वेंटी थ्री साइंटिस्ट द फर्स्ट टीम रीच मैत्री स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बींग मेड इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो कार्बन एमिटिंग एयरपोर्ट दोस्तों मैसूर डिक्लेरेशन की बात करें टू रिकॉग्नाइज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सर्विज सेंटर ऑफ गवर्नेंस सी एस ए आर क्यूरियासिटी प्रोग्राम इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लेबोरेटरी बनाया गया है फॉर चिल्ड्रेन वॉज लॉन्च्ड एंड टूडेल्प अटिफिक अप्रोच ऑफ चिल्ड्रन सो दिस इज़ अबाउट द नेशनल इवेंट्स ऑफ कम्प्लीट वन ईयर हमने कम्प्लीट कर लिया है पूरा ठीक है नवंबर दो हज़ार इक्कीस से लेकर नवम्बर दो हज़ार बाईस तक दो घंटे वीडियो में हमें कम्प्लीट कर लिया है उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर यह पसंद आया होगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इंटरनेशनल इवेंट्स में तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी दोस्तों